This conference will now be recorded. Morning, guys. Yeah, I will take some other. I will make a pure model of machine learning in today's class. ठीक है, आज हम क्लास में क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे थोड़ा के आगे का एक टॉपिक था जैसे बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, जो आपको बताएगा कि आपका मॉडल अच्छा है या बुरा है. ठीक है, पहले हम वो पढ़ेंगे और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक मॉडल बनाएंगे. ठीक है, उस मॉडल के बेसिस पर हम क्या करेंगे, अपना आगे का परफॉर्मेंस करेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती है. तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, पहला जो हमारा, देखो टॉपिक्स पहले कवर कर लेते हैं क्योंकि फिर ना अगर हम क्लासेस में अगर क्वेश्चन करते रहेंगे तो हमारा टाइम लगेगा. क्वेश्चन हम करेंगे, टाइम देंगे एक्स्ट्रा, जैसे 2 घंटे क्लास, उसको 2.5 घंटे चला जाए कोई दिक्कत नहीं है. बट अभी हम पहले देखेंगे हमारा टॉपिक. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ. आज आपको पता पड़ेगा कि जो मॉडल होते हैं वो बेस्ट मॉडल कब होगा, वर्स्ट मॉडल कब होगा, ओवरफिट कब होगा, अंडरफिट कब होगा. ठीक है, आज पता पड़ जाएगा. अब इसमें दो चीजें, एक है बायस और एक है वेरिएंस. ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, व्हाट इज बायस एंड व्हाट इज वेरिएंस. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं. देखो जो बायस और वेरिएंस है, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग वर्ल्ड में. अगर मुझे काम करना है कि किसी मॉडल को, कि वो अच्छा मॉडल है या बुरा मॉडल है. ठीक है, अब माइंड में आता है सर अच्छा मॉडल कौन होगा, बुरा मॉडल कौन होगा. या तो यार जो जिस टाइम अगर मैं अभी हूं तो मैं कितना अच्छा इस वर्ल्ड में काम कर रहा हूं या कितना अच्छा नहीं कर रहा हूं, वो डिपेंड करता है मेरा बायस और वेरिएंस पे. अब बायस और वेरिएंस में जो रिलेशनशिप बनेगा मॉडल का, हम उसको देखेंगे. तो चलो पहले समझते हैं बायस क्या होता है. बायस, बायस को हम डिफाइन करते हैं एवरेज. एवरेज इन टर्म्स ऑफ एरर. बायस इज एवरेज इन टर्म्स ऑफ
एरर और वेरिएंस। वेरिएंस मतलब वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एरर। एरर कह लो, वैल्यू कह लो, वो आपके ऊपर है। एरर भी कह सकते, वैल्यू भी कह सकते। भाई क्योंकि एरर होगा तभी तो हम बेसिकली बताते हैं कि हमारा प्रेडिक्शन है कितना। अगर एरर का ही नहीं लूंगा तो मैं क्या बोल पाऊंगा, कुछ बोल पाऊंगा नहीं। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूं, बायस इज द एवरेज इन टर्म ऑफ एरर एंड वेरियंस इज वेरिएशन इन टर्म ऑफ एरर। एंड वॉट इज एरर भाई, जो आपकी प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू के बीच में डिफरेंस है वही एरर है। हाँ या ना, इतना समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। ओके, लास्ट असाइनमेंट सॉल्यूशन। यार सॉल्यूशन मेरे पास कोई नहीं होते हैं, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। मैं आपको सॉल्यूशन करके देता हूँ, ठीक है, आपके बैच में ही कम करके दूंगा। मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होते, प्री डिफाइंड कोई भी सॉल्यूशन नहीं बने रखे हैं मेरे पास। प्रोजेक्ट है, डेटा है, और वो है क्या कहते हैं उसका, असाइनमेंट। उसका सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन मैं आपको अभी क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। नाउ अगर मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ एरर, सो देयर माइट बी सम ऑफ द इफेक्ट, कि कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। तो अगर मैं गुड मॉडल की बात करूं, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ चल रहा है, तो इसमें गुड मॉडल और बैड मॉडल कौन सा होगा, ओवरफिट मॉडल कौन सा होगा, अंडरफिट मॉडल कौन सा होगा। भाई दिमाग में सारे कॉन्सिक्वेंसेस अभी घूम रहे होंगे, सर क्या क्या होता होगा। अब देखो यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, किसके रिस्पेक्ट में, एरर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और अगर एरर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरी, जो बाय एक्चुअल माइनस बाय प्रेडिक्टेड। भाई ये तो आपको पता है एरर यही होते हैं। अब ये एरर होते हैं तो कौन सा मॉडल अच्छा होगा, कौन सा मॉडल बुरा होगा, वो कौन पता लगाएगा, वो पता लगाता है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, ठीक है। और बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ में हम मॉडल बिल्ड करते हैं। यहां पर क्या होता है, मॉडल बिल्डिंग स्कीमाज होते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि भाई आइडियल मॉडल, सबसे अच्छा मॉडल क्या होगा। यस यू हैव टू रिमूव ऑल द कॉलम्स हुज वीआईएफ इज ग्रेटर देन 10। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं आइडियल मॉडल की, आइडियल मॉडल, आइडियल मॉडल मतलब सबसे अच्छा मॉडल। और सबसे अच्छे मॉडल में आप जानते हो भाई जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी या जो प्रॉपर्टी होंगी वो क्या रहेंगी। सबसे पहले तो एक्यूरेसी 100% होगी, बायस नियर अबाउट टू 0%, और वेरिएंस कितना होगा, 0%। एग्री और नॉट, नो इशू एट ऑल। आर स्क्वायर डिक्रीज हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो वेरिएबल मल्टीकोलिनियरिटी बनाएगा। ओके ऋषभ, तो मैं अपना टॉपिक कंप्लीट कर लूं पर आऊंगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है आप डाल दीजिए चैट बॉक्स में, मैं उसको एक एक करके बताऊंगा। पर अभी आप इस पर करिए, अभी फोकस रखिए आइडियल मॉडल पर। आइडियल मॉडल की प्रॉपर्टी क्या होंगी, जिसमें एक्यूरेसी 100%, बायस जीरो, बायस मतलब बायसनेस है ही नहीं है, एवरेज एरर को निकालोगे एरर है ही नहीं है। वेरियंस मतलब वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एरर है ही नहीं है। अब देखो, अब आइडियल मॉडल की कंडीशन ये है, तो हम मॉडल बिल्डअप कैसे करते हैं। तो मॉडल जो हमारी बिल्डिंग होती है उसमें हम बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ कैसे लगाते हैं, उसके दो स्कीमा है। कौन कौन से स्कीमा है, सबसे पहला स्कीमा है जिसको कहते हैं डीबीटी। डीबीटी स्टैंड फॉर डेवलपमेंट वैलिडेशन टेस्टिंग एंड द अदर वन इज के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। भाई ये दो तरीके हैं पता लगाने के लिए मॉडल हमारा अच्छा है या नहीं, ठीक है गाइस।
ओके गाइस, तो आरएमएसई आप रूट मीन स्क्वायर एरर, तो देखो गाइस क्या होता है, जैसे सौरभ इज सेइंग सर रूट मीन स्क्वायर एरर है, तो रूट मीन स्क्वायर एरर एक तरह का होता है, बट हाँ हम उससे भी पता लगा सकते हैं, तीन मैट्रिक्स से पता लगा सकते हैं, बट तीन मैट्रिक्स में से हम एक मैट्रिक्स निकालेंगे किसके लिए, यही चीज करने के लिए। तो अभी जरा मैं आता हूँ, एक एक करके आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले मैं मेथड यूज करूंगा डीबीटी, जो हम कर रहे थे अभी, हमने डीबीटी लगा रहे थे, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन ही लगाया। अभी आप डीबीटी देखो, डीबीटी, तो जो सबसे पहला स्कीमा होता है डीबीटी वाला, उसमें क्या करते हैं, जो हमारा डेटा है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, थ्री पार्ट। सबसे पहला पार्ट हम रखते हैं ट्रेनिंग का, जिसका रेशियो बाय डिफॉल्ट 70% रखते हैं। दूसरा पार्ट हम रखते हैं वैलिडेशन का, और वैलिडेशन के लिए हम रखते हैं 20%। ये आपका स्कोर निकाल सकते हैं वैलिडेशन के लिए, स्कोर, स्कोर मेथड इज यूज्ड टू वैलिडेट द डेटा, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट रखते हैं वो किसके लिए रखते हैं, टेस्ट डेटा के लिए, जिसके अंदर कितना रहता है 10%। अभी आपको समझ में आएगा क्या क्या इसमें होता है, ठीक है गाइस। तो चलो सपोज करो मैंने कुछ ऐसा बना लिया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब मैं सबसे पहले बात करूं, फर्स्ट जो हमारा मॉडल डेवलप होता है इज ऑन डेवलपमेंट डेटा, जो कि कितना है 70% है। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर अगर हमें वी गेट एक्यूरेसी फ्रॉम डेवलपमेंट मॉडल एंड द एक्यूरेसी हाई एंड बायसनेस इज लो। अब यहाँ पे जब हम मॉडल चलाते हैं, सब करो कुछ ऐसा आया कि एक्यूरेसी क्या है, यहाँ पे हाई आई, बायस कैसा आया, लो, मतलब एरर का जो टर्म आया है वो लो आया, ठीक है। जब हमने मॉडल बनाया, आप समझो कि हाँ मॉडल का डेटा काफी अच्छी तरीके से समझा कि डेटा के अंदर क्या हिडन पैटर्न्स है। सेकंड वाले में आपने वैलिडेट करा, वैलिडेशन डेटा क्या निकाल के, स्कोर निकाल के, और स्कोर निकाल के आपने क्या पता करी, प्रेडिक्ट करी, वाई को आपको इतना करना नहीं है, बस ये तो प्रोसीजर है जो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखने पड़ेंगे। काम आपको ऑलरेडी सारी चीज करके देगी, आरएमएसई निकालने तक आता है वही चीज करके देगी, बस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उसको फाइंड आउट। आखिरी में क्या होता है, जो हमारा, अब देखो यहां से भी तो एक्यूरेसी निकलेगी, यहां से भी एक एक्यूरेसी निकलेगी, ठीक है, और यहां से जो टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग किस पे होती, ऑन टेस्टिंग डेटा। तो वी गॉट एन एक्यूरेसी फ्रॉम हियर आल्सो, तो हमारे पास कितनी एक्यूरेसी आई, तीन एक्यूरेसी आई, यस और नो, या तीन एरर आए, या तो एक्यूरेसी कह लो या एरर कह लो, एरर टर्म ले लो या एक्यूरेसी ले लो, इसमें या तो हम एक्यूरेसी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एरर टर्म फाइंड आउट करें, सेम वे में या तो मैं इसको एक्यूरेसी कह लूं या कह लूं एरर टर्म, ठीक है भाई, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, या तो एक्यूरेसी कह लूं या एरर टर्म ले लूं, क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट। अब मैं चलता हूं एक्सेल पे, क्योंकि एक्सेल पे आपको एक्चुअल में दिख पाएगा कि क्या चीजें हो रही होंगी, तो चलिए देखें, मैं एक्सेल पे चलता हूं, लेट मी ओपन एन एक्सेल, लेट मी ओपन अ सीएसवी, ओनली सीएसवी ओपन कर लेता हूं, तो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ के लिए इसका समझना ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारे पास, हमने क्या बनाया, हमने डीबीटी लगाया, डीबीटी मेथड लगाया, अब डीबीटी में तीन स्टेज थी, एक थी ट्रेनिंग, दूसरी क्या थी टेस्टिंग, और तीसरी क्या थी, सॉरी सेकंड थी वैलिडेशन, और तीसरी क्या थी टेस्टिंग थी, ठीक है। और यहां क्या दिए मैंने, एरर टर्म दिए, जो एरर उसमें आए, तो एरर में सबसे पहले सपोज करो मैंने कहा कि यार जो मेरा ट्रेनिंग है ना, जो मेरा ट्रेनिंग है उसमें मेरा कौन सा एरर बना,
जो मेरा ट्रेनिंग वाला है उसमें मेरा कौन सा एरर बना? सपोज करो ट्रेनिंग वाले में 1% एरर आया, इस वाले में 1% एरर आया, और इस वाले में कितना एरर आया? 2% एरर आया, ठीक है, टेस्टिंग में। ये एरर टर्म है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, बायसनेस की, तो बायसनेस क्या होता, तो मैं लिख सकता हूं इक्वल टू, बायस तो एवरेज होता, तो ये एवरेज कौन से वाले टर्म का एवरेज? इन सब का। भाई एवरेज क्या आ रहा, ये आ रहा। एक काम करता हूं, मैं कहता हूँ वैलिडेशन में भी जो एरर आ रहा वो मेरा 2 आ रहा, ठीक है, ये हो गया 1.66। अब मैं कहता हूं कि इसमें वेरिएंस कितना होगा, वेरिएंस के लिए मैं कह लूंगा इक्वल टू वेरिएंस, वेयर ये वेरिएंस है, वेरिएंस मेरा कितना आ रहा, जीरो पॉइंट थ्री 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 परसेंट। भाई इसका डायरेक्ट मतलब क्या हो रहा, आप देखो इसमें 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 मैं तीनों की बात करता हूं, या अगर मैं चलो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा और बेटर लेके चलता हूं तो आपको पता पड़ेगा। एक काम करता हूँ, एक मॉडल ये है मेरा, तो मैं डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल पहले बना लेता हूँ, मॉडल नंबर 1, ठीक है, इस पूरे डेटा को कॉपी कर लेता हूँ और यहां पर पेस्ट कर देता हूँ, ये एक डेटा और ये एक मेरा दूसरा मॉडल, ठीक है ना। कैलकुलेट वेरिएंस ऑन बेसिस ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, ऑन बेसिस ऑफ सैंपल, कैलकुलेट वेरिएंस ऑन सैंपल, एस्टिमेट फंक्शन, एस्टिमेट वेरिएंस बेस्ड अपॉन सैंपल, ओके। तो ये आपके कई सारे वेरिएशन के टर्म्स होते हैं जो आपको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे मैंने एक मॉडल ये बना दिया, एक मॉडल ये लेता हूँ, डेटा कितना है, 70% डेटा है, तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ 70%। आप जानते हैं वैलिडेशन में हमने जो डेटा लेता था वो कितना लेते थे, वैलिडेशन में हम लेते थे 20%, और टेस्टिंग में डेटा ले रहा हूँ कितना, 10%। तो अब यहाँ पे ये दिक्कत हो गई, यहाँ पे ये 2 हो गया, 2 हो गया, इसको और डिक्रीज कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एरर टर्म लेता हूँ, सपोज करो मेरा एरर 0.0% आ रहा है पहले मॉडल में, दूसरे मॉडल में 0.02 आ रहा, और तीसरे जो टेस्टिंग वाले में आ रहा 0.03 आ रहा। तो रहा ये देखो जरा, ये कितना आ रहा है इसका। अब आप जरा यहाँ पर देखोगे जब इसको, तो आप यहाँ पे क्या समझ पा रहे हो, पा रहे हो कि जो आपका बायस है वो भी बहुत कम है, और जो वेरियंस है वो भी बहुत कम है डेटा में। भाई बायस तो एवरेज हो जाता है, और एवरेज टर्म तो बहुत कम आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा, बट जो वेरिएंस है वो भी बहुत कम है, वेरिएशन काफी कम है डेटा में, देखो है या नहीं वेरिएशन कम, यस और नो, देख पा रहा है ये वेरिएशन काफी कम है ना, ये विजिबल है आपको वेरिएशन, ओके। वेरिएशन मतलब दो एरर के, मतलब अगर मैं वेरिएशन की बात करूं, वेरिएशन होता क्या है, जैसे आपने एक एरर टेस्टिंग डेटा से निकाला और दूसरा एरर आपने निकाला वैलिडेशन डेटा से, अगर इनमें काफी कम डिफरेंस है वही आपका क्या होता है, वेरिएशन, वेरिएंस इन द डेटा। जब ये आपका निकला क्या, ये टोटल निकला, अब आपने एक और मॉडल बनाया, ये दूसरा मॉडल है, इसमें क्या दिए एरर टर्म, आपने ये दिए कि डेवलपमेंट में तो जो आई एक्यूरेसी 100% आई, तो उसमें एरर है नहीं है, इसमें 2i और इसमें 2i, तो जरा देखो इसमें वेरिएशन काफी ज्यादा है या नहीं, इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है या नहीं, इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, यस और नो। भाई बायस तो अभी नॉर्मल है, बायस तो अभी नॉर्मल है, बायस में कोई दिक्कत नहीं है, बायस तो इतना चल सकता, बायस तो आपका 3% भी आ सकता वो तो ठीक है, बट अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है 1.33, बेसिकली जो होती है ना इसकी वैल्यू वो 0.00, जैसे ये वाली वैल्यू ना, ये वेरिएंस काफी कम है, अगर 1.33 टर्म का वेरिएशन है, मतलब काफी ज्यादा वेरिएशन, नहीं वन मॉडल तो ये है, देखो मॉडल 1 और मॉडल 2 को कंपेयर अभी नहीं करना है, हाँ अगर मैं बात करूं केवल इसी मॉडल के अंदर, तो इसके अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा है,
इसके अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो इसी टर्म से ना हम कुछ कंडीशन निकालते हैं। कंडीशन कैसी निकालते हैं, हमें ना कंडीशन याद रखना है क्योंकि ये वाले टर्म तो हम बाद में भी कैलकुलेट कर पाएंगे। कंडीशन लिखता हूं, कंडीशन आपको याद करना है। तो कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन है ये सबसे पहली कंडीशन, किसकी, गुड मॉडल की। आपका मॉडल गुड है, कंडीशन क्या है, जब बायस इज लो एंड वेरिएंस इज आल्सो लो। जब दोनों लो है भाई, मॉडल तभी गुड होगा जब आपकी क्या होंगी, दोनों कंडीशन क्या होंगी, लो रहेंगी। आपका सेकंड मॉडल, मॉडल इज बैड, बैड मॉडल, जब आपकी क्या हो, जब आपकी बायस हाई हो, बायसनेस मॉडल में हाई हो, और आपका वेरिएंस आपका क्या हो, हाई। यहां पर क्या होगा, आपने एक मॉडल बनाया, मॉडल को प्रेडिक्ट करना था कि बॉय और गर्ल के अंदर, और मॉडल इतना बुरा है, लड़की को लड़का बोलता है, लड़के को लड़की बोलता है, क्यों, बायस हो गया ना एक तरफ। बायस मतलब जैसे सपोज करो लड़के भी बड़े बाल रखते हैं, तो मॉडल ने समझा बड़े बाल मतलब लड़की, अब वो बायस हो गया बड़े बाल की तरफ। अब जितने भी लड़के बड़े बाल रख के आएंगे उन सबको क्या डिनोट कर देगा, लड़की बना देगा। तो सेम वे में हमें बायसनेस भी हाई नहीं रखने, वेरियंस भी हाई नहीं रखने, क्योंकि हमारे मॉडल को क्या करता है, बैड बनाता है। तीसरा जो थर्ड वाला है वो हमारा है ओवरफिटिंग, जो आपने सुना भी होगा ओवरफिटिंग, कभी सुना होगा। ओवरफिटिंग के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है बायस लो एंड वेरिएंस आपका हाई, ठीक है। और जो अंडरफिट होता है कंडीशन में क्या होता है, जो बायसनेस होता है वो होती है हाई एंड वेरिएंस इज लो। अब ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग होता क्या है, तो अगर बात करूं ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग, ओवरफिटिंग ये वो कंडीशन होती है व्हेन द मॉडल इज ट्रेंड वेरी गुड, मतलब ट्रेनिंग के टाइम आपकी एक्यूरेसी कितनी थी, 100% थी, तो जब उसकी टेस्टिंग हुई तो इट बिकम सो मच पावरफुल दैट इट प्रिडिक्ट सम ऑफ इंस्टेंस रॉन्ग, मतलब सब कुछ अच्छा करने के चक्कर में उसने कुछ इंस्टेंस को क्या करता है, गलत प्रिडिक्ट कर लेता है। सब कुछ अच्छा करने पे क्या करता है, गलत प्रिडिक्ट करता है। नो नो नो, एक्चुअली देखो दोनों को एरर टर्म पे करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। कंडीशन देखो जरा रवि, आप कंडीशन देखो, यहां पर मैंने क्या लिख रखा है, यहां पर लिखा है, देखो यहां पे क्या लिखा है, बायस और वेरिएंस के लिए, एक है एवरेज, बायस है एवरेज, और ये क्या है, ये है वेरिएंस या वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एरर। एक वेरिएशन देख रहा है, एक देख रहा है एवरेज, मतलब एक क्या देख रहा है कि यार ये डेटा और इस डेटा में कितना वेरिएशन है, देखो इस लाइन से कितने वेरी कर रहे हैं ये डेटा, एक तो ये देख रहा है, और एक देख रहा है इन सब का एवरेज, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। तो जैसे आपने क्या, आपके पास कुछ स्टूडेंट होते हैं, देखो कॉलेज में और स्कूल लेवल पे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं मग्गू टाइप के, ठीक है। अब उनका एग्जांपल लेके चलते हैं, तो जैसे जब वो क्लास में पढ़ते हैं तो वो जो टीचर पढ़ाता है उस क्वेश्चन को रट लेते हैं, ठीक है। जब स्कूल के एग्जाम होते तो यार टीचर क्वेश्चन पेपर बनाता है और टीचर क्या करता है, वही क्वेश्चन देता है, वैल्यू वही रहती है, तो वो 100 out of 100 लेके आते हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं। उन स्टूडेंट को हम क्या कहते हैं, उन स्टूडेंट को हम कंपेयर करते हैं ओवरफिटिंग के मॉडल से। कैसे कंपेयर करते हैं भाई, जब तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जाते हो तो जब तुम पहली बार पेपर देखते हो तो ऐसा तो होता नहीं है तुम्हारे टीचर के क्वेश्चन होंगे उसी की वैल्यू होंगी,
तो क्या होता है ओवरफिटिंग में, जब वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते हैं या आईआईटी जेई का देते हैं या एआई ट्रिपल ई का देते हैं, हमारे टाइम तो वो होता था, तो क्या होता था उन स्टूडेंट का, वो स्टूडेंट अच्छा मार्क्स ला ही नहीं पाते थे। क्यों नहीं ला पाते थे? उनने हमेशा रटा है भाई, और आईआईटी और एआई ट्रिपल ई में कभी रटने वाली चीज तो होती नहीं है। जब रटने वाली चीज होती नहीं है तो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है कि भाई यहाँ पे आपने ए दे रखा, यहाँ पे मिल गया बी, है तो अल्फाबेट दोनों ही, तो जो रटने वाले स्टूडेंट क्या थे, इसको भी क्या बना देते थे, ए बना देते थे, बी को भी क्या बना देते थे, ए बना देते, भाई गलत कर दिया कि नहीं कर दिया। तो सेम वे में हमारा क्या होती, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते थे जो क्लास में भी परफॉर्म नहीं करते थे और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी परफॉर्म नहीं करते थे, मतलब ऐसे मॉडल जो वीक लर्नर होते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, दे ऑल आर वीक लर्नर। अब वीक लर्नर में मतलब जब हमारा मॉडल ट्रेन ढंग से नहीं हो पाता है, या तो उसको डेटा इनसफिशिएंट मिला हो या उसको समझने में कुछ एरर हो गया। तो जरा देखो इस वाली कंडीशन में मैं ये लिख सकता हूं, व्हेन द मॉडल इज नॉट ट्रेन्ड, ये चार कंडीशन पता पड़ी, आप कब अपने मॉडल को गुड कह सकते हैं, कब अपने मॉडल को बैड कर सकते हैं, कब अपने मॉडल को ओवरफिट कह सकते हैं, कब अपने मॉडल को अंडरफिट कर सकते हैं, यस और नो? ये पार्ट क्लियर हुआ गाइस? इसमें कोई डाउट तो पूछो फिर। यहाँ पे गोल्डन वर्ड आया, एक गोल्डन वर्ड आया कि सर हमने जो निकाला था, हमारा जो मॉडल था लीनियर रिग्रेशन था, सर उसमें कौन सा एरर देखेंगे? उसमें आपके पास तीन मैट्रिक्स होती हैं, जैसे आपका जो मॉडल होगा ना, आपका जो मॉडल होगा उसमें आपको तीन मैट्रिक्स मिली होंगी। सबसे पहली मैट्रिक्स थी आरएमएसई, नहीं सौरभ, ओवरफिटिंग के केस में क्या होता है, हमारा मॉडल ना क्या होता है, इतना ज्यादा वेरिएंट, देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास दो क्लास हैं टू प्रेडिक्ट, या तो ये मैंगो होगा या ग्रेप्स होगा। अब सपोज करो मैं रिजल्ट के टर्म में वेरिएशन दे दूं, आपके पास 50 क्लास है प्रेडिक्ट करने के लिए, तो 50 क्लास के लिए डिफरेंट 50 पैरामीटर्स होंगे, तो क्या होता है मॉडल उसके बीच में कंफ्यूज हो जाता है। अब मैं आपसे बात करूं गुआवा की, अमरूद और एप्पल की, भाई देखा जाए तो उनका शेप एक सा ही होता है ना, पर कलर डिफरेंट होता है और टेस्ट डिफरेंट होता है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा मॉडल कभी कभी ओवरफिट हो सकता है क्योंकि वेरिएशन काफी ज्यादा है डेटा में। भाई बायस नहीं है, पर वेरिएशन ज्यादा होने के कारण मॉडल क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, और उस कंफ्यूजन में वो उसको भी क्या करता है, वो प्रिडिक्ट कर देता है कि ये भी गुआवा होगा एज कंपेयर टू एप्पल। तीन मैट्रिक्स मिलेंगी आपको, आरएमएसई, एमएसई एंड एएमएसई, एब्सोल्यूट मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर एंड रूट मीन स्क्वायर एरर। आप क्या करोगे, एनी ऑफ द मैट्रिक्स को सिलेक्ट करोगे, किसी भी मैट्रिक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, तो आप जानते हैं आपकी एक ट्रेनिंग के लिए आरएमएसई निकलेगी, एक आपकी टेस्टिंग के लिए आरएमएसई निकलेगी, और एक आपकी किसके निकलेगी, वैलिडेशन के लिए आरएमएसई निकलेगी। भाई अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं तो आप क्या करोगे, आप इन तीनों में क्या लगा सकते हो, आप इसका क्या ले सकते हो, आप इसका बायस ले सकते हो, आप इसका वेरिएंस ले सकते हो, और बायस और वेरिएंस के जो रूल हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू रूल यू कैन फाइंड आउट वेदर योर मॉडल इज गुड और, ये कंडीशन होती किसकी, बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ। इसमें क्या बचा है, इसमें एक बचा है के फॉर क्रॉस वैलिडेशन,
तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हम ये नहीं लगाते, हम डीबीटी नहीं अप्लाई करते, हम आज के वर्ल्ड में हम के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज करते हैं, वी डोंट यूज डीबीटी, वी यूज के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। जब मैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आऊंगा कि इसमें हम मॉडल कैसे बताते हैं, कि हमारा मॉडल कितना अच्छा है या कितना बुरा है। ये क्लियर हुआ गाइस? एट प्रेजेंट वी यूज दिस। वी डोंट यूज डीबीटी, डीबीटी काफी लंबा प्रोसीजर हो जाता है, आप ट्रेनिंग के लिए सेपरेट निकालोगे, टेस्टिंग के लिए सेपरेट निकालोगे भाई। और के फोर क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है, तीन लाइन के अंदर सारी चीजें निकल जाती हैं, इसलिए नहीं यूज करते। टाइम क्यों खराब करा इतना? यस, इन ऑर्डर टू सेव टाइम नाउडेज पीपल प्रेफर क्रॉस वैलिडेशन। अगर मैं क्रॉस वैलिडेशन की बात करता हूँ तो आपको ये चार्ट हमेशा याद रखना है, तो अपनी कॉपी पे बना लें प्लीज गाइस, ये चार्ट बना लें। तो मैं एक चार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, आई वांट कि आप सब लोग ये चार्ट बना लें अपनी, कहीं कहीं ना कहीं तो बना ही लो। लो बायस, हाई बायस, लो वेरिएंस, ये वेरिएंस और बायस का चार्ट है, वेरिएंस वर्सेस बायस का, हाई बायस, हाई बायस, ठीक है। अब देखो, अगर आप, मैं यहां पर ये स्ट्रक्चर लेता हूं ताकि मैं इसको आप लोग को बता पाऊं, इसमें जो अजम्पशंस हम लेते हैं। अब जरा ये वाला डायग्राम देखना इधर की तरफ, जो मैं रेड से बना रहा हूं, ये वाला जो डायग्राम है ना, इससे बनाया। देखो, अगर मैं सेंटर की तरफ रहता हूं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जहां मैं अभी, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन होता है क्या, लो बायस का, मतलब बायसनेस कैसा होगा, लो रहेगा। और जो ये वाला पोर्शन है, ये दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन रहता है ना, वो रहता है हाई बायस का पोर्शन, ये रहता है आपका लो बायस का पोर्शन, और ये रहता है आपका हाई बायस का पोर्शन, ठीक है। ये लो बायस रह गया और ये क्या हो गया, हाई बायस। तो सेम वे में मुझे वहां पर भी वही क्राइटेरिया बनाना होगा, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा देख लेते हैं एक बार। अगर मैं बात करता हूं लो बायस, लो वेरिएंस की, मतलब वेरिएशन भी कम होगा, बायसनेस भी कम होगा, तो मतलब सारे के सारे डेटा पॉइंट मेरे कहां पर सेटल डाउन होंगे, यहां पर, ये दिख रहा है आपको पॉइंट्स, ये काम करता हूं हाइलाइटर से ज्यादा बेटर रहेगा। ये दिख रहे हैं आपको पॉइंट्स, मतलब बायसनेस भी कम है और वेरिएंस भी काफी कम है। अब मैं बात करता हूं हाई बायस की और लो वेरिएंस की, मतलब हाई बायस कहां पर होगा, यहां पर वेरिएंस लो क्यों होगा, क्योंकि सारे डेटा पॉइंट एक ही जगह इकट्ठे हैं। देख लो जरा ये वाला पॉइंट, मतलब अगर इस पॉइंट की बात करूं तो मैं ये बना सकता हूं यहाँ पे, ये ये ये, क्योंकि बायस बहुत ज्यादा है पर वेरिएंस काफी कम है, तो ये सारे डेटा यहां पर आ गए। इस वाले में क्या था, बायस भी कम था, वेरिएंस भी कम था, इसलिए सारे डेटा कहां पर लाए कर रहे हैं, लो बायस रीजन में। अब बात सर, किसकी, क्या सर आपने बायस का तो मतलब डिफाइन कर रखा है कि लो बायस पे होगा तो एकदम सेंटर पे लाई करेगा सारे डेटा पॉइंट्स, और हाई बायस होगा तो एकदम कॉर्नर पे, बट सर वेरिएंस का आपने कैसे बताया, ये वेरिएंस मतलब, वेरिएंस देखो, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएशन। देखो ये वाला जो टर्म होता है ना, अगर मैं देखो ऐसा मेरा डेटा है,
डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का ऐसा है, तो आप देख पा रहे होगे सारा डेटा एक ही तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये लो वेरिएंस है अगर मैं एरर टर्म की बात करूं। और अगर ये वाला देखो, ये वाला टर्म देखूं, तो ये वाला जो टर्म है वो कैसा है, हाई वेरिएंस, वेरिएशन ज्यादा है। तो सेम वे में अगर मैं यहां पर आता हूं, भाई बायसनेस लो है पर वेरिएशन हाई है, तो सारा का सारा डेटा होगा तो यही सेंटर की तरफ, बट कैसा होगा, ज्यादा स्कैटर्ड होगा। देखो जरा, ये आपको क्लियर हो रहा है, ये वाला पॉइंट, भाई वेरिएशन ज्यादा है, नो डाउट वेरिएशन ज्यादा है, बट बायसनेस कम है, इसलिए क्या होगा, सेंटर पे स्कैटरिंग हो गई। अब हाई बायस और हाई वेरिएंस की बात करूं, तो ये हाई बायस और हाई वेरिएंस, तो हाई बायस हाई वेरिएंस, देखो जरा, ये पॉइंट क्लियर हो, ये वाला पॉइंट। अब ओके, तो अब जरा एक चीज ध्यान दो, अब आपको क्या बनाना है, अब आप इसमें क्राइटेरिया लिख लो यार गाइस, तो आप लोग बस इसमें क्राइटेरिया लिख दो। तो सपोज करो अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूं, तो ये वाला क्राइटेरिया मेरा किसका है, गुड मॉडल का, जीबी का, दैट इज गुड मॉडल, क्योंकि लो बायस लो वेरियंस, हाई बायस हाई वेरियंस, सॉरी बायसनेस लो है बट वेरिएंस हाई है, मतलब वेरिएशन काफी ज्यादा है, तो मतलब अंडरफिट हो सकता है। हाई बायस हाई वेरिएंस, दोनों जब हाई होते हैं तो मॉडल कैसा होता है, बैड मॉडल, दैट इज बैड मॉडल, ये मेरा गुड मॉडल है। और ये वाला जो मेरा केस है, ये जो आखिरी वाला केस है जिसमें बायसनेस तो लो है पर वेरिएंस काफी ज्यादा है, वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा ओवर। तो ये है मेरी कंडीशंस। तो गाइज ये चार्ट बना लो आप लोग, जब तक यू हैव टू मिनट्स, आप दो मिनट में ही चार्ट बना लो, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। सर हल्का सा ऊपर कर दिया, हेलो ओके, नो नो नो, एक्चुअली नो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज वन ऑफ द
matrix term that we use to find out that the model is having low error. वो error के term को बताने के लिए powerful है R square. बट मॉडल गुड होगा नहीं होगा वो कौन बताएगा आपको? बायस और वेरिएंस बताएगा मॉडल के अंदर. तभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है लीनियर रिग्रेशन के टर्म में समझना बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ. ओके, यहाँ पर एक पैरामीटर नहीं है, बहुत सारे हैं. तो आपको जो मेन है मैं आपको वो बता रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते. तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ का. ओके, तो हम आगे चलते हैं. मैं भी इसको रब कर रहा हूं. अब जैसे उस दिन मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि हमारे पे होती है वन हॉट एनकोडिंग एंड इट इज सिमिलर टू डमी वेरिएबल. यस और नो भाई? मैंने आप लोग से वन हॉट एनकोडिंग के बारे में बोला था दिस इज सिमिलर टू डमी वेरिएबल. कि कभी कभी आपके पास क्या होता है, आपके पास कुछ ऐसे वेरिएबल हो जाते हैं जिसपे आप लेबल एनकोडिंग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लेबल एनकोडिंग उनको नंबर देती है और नंबर कभी कभी हमारी मशीन क्या समझ सकती है, उसको वेट दे देती है. वेट मतलब जैसे आपने कहा कि आपके पास कोई एज है, तो जैसे आपके पास कोई क्लास है, आपके पास वनीला है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, तो क्या करा मशीन ने उसको नंबर दे दिया 0, 1, 2, 3. तो मॉडल जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होती, मशीन उसको इंटीजर समझ लेती. 3 मतलब ज्यादा वेटेज, 2 मतलब कम वेटेज और 0 मतलब बिल्कुल नहीं. तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम वन हॉट एनकोडिंग यूज करते हैं विच इज सिमिलर टू डमी वेरिएबल. डमी में बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जबकि वन हॉट एनकोडिंग में काफी छोटा प्रोसेस होता है. तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ वन हॉट एनकोडिंग कैसे करते हैं. ये प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है. तो जैसे आपके पास ये दे रखा है, फिर हम बात करेंगे अपने एक पूरे मॉडल की, ठीक है? फिर मैं मॉडल अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको. जैसे ये बात है मेरी कौन सी वाली, इसके टर्म की, तो मैं देखो लिखता हूं, जैसे मैं एक डेटा बनाना पड़ेगा, तो मैंने एक डेटा बनाया. जस्ट अ सेकंड, जैसे मैंने यहां पे दिया कंट्री, इंडिया, जापान, ठीक है, कॉमा, पर्सन नेम ये रख दिया. तो मैंने कर दिया पर्सन नेम में के, या पर्सन एक काम करते हैं, ये तो है पहला बन गया है ये, और एक काम करते हैं इस वाले में इसको हम कर देते हैं सेकंड कॉमा, यहां पर कर देते हैं सीरियल. वन कॉमा, टू कॉमा, थ्री कॉमा, फोर, भाई चार है, चार ले लिया. और ये क्या कर दिया, इसको रन कर दिया. एक सेकंड, रन करने के साथ मेरे को इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा क्या डेटा फ्रेम, क्योंकि डेटा फ्रेम पांडास की प्रॉपर्टी है, तो पांडास इंपोर्ट कराना पड़ेगा. पांडास इंपोर्ट कराया नहीं, तो आई विल से इंपोर्ट पांडास एज पीडी. सो आई रन दिस के व्हाट हैपेंड, ओ बेचारे को यहां पर होना चाहिए था, और यहां पर इसके बाद क्या होना चाहिए था, एक क्लोज होना चाहिए था पैरेंथेसिस, क्योंकि वो एक मेथड है. नाउ इट इज परफेक्टली फाइन. डी को प्रिंट करा के देख लिया, डी मेरा बन गया. अब इसमें से मुझे वन हॉट एनकोडिंग करने है, और वन हॉट एनकोडिंग किसका पार्ट है, प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है. और प्री प्रोसेसिंग किसका पार्ट है, एसकेलन मॉड्यूल के अंदर, प्री प्रोसेसिंग के पार्ट के अंदर हमें मिलता है वन हॉट एनकोडिंग, जस्ट लाइक लेबल एनकोडिंग. सो व्हाट आई विल से, आई विल डायरेक्टली से फ्रॉम एसकेलन डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट वन हॉट एनकोडिंग. सो आई विल राइट डायरेक्टली वन एच ओ टी हॉट एनकोडर, जैसे लेबल एनकोडर वैसी वन हॉट एनकोडर. इसके लिया और इसको रन करा दिया, रन हो गया. अब क्या करूंगा, अब मैं वेरिएबल बनाऊंगा. तो वन हॉट एनकोडिंग ओ एच ई का वेरिएबल बना लिया, ये लिया, यहां पर इसको पेस्ट कर दिया, और ये
हो गई। उसके बाद क्या करा मैंने, इसकी एरे बनानी पड़ती है। यहां पर क्या बनाते हैं, हम एरे बनाते हैं, वरना चलिए एरे नहीं बनाते हैं, आप गलती से क्या करते हैं, मैंने क्या करा, मैंने लिखा डेटा, इसके अंदर कौन सा है, कंट्री वाला है, इक्वल टू वन डॉट एनकोडिंग डॉट, यहां पे आया मैंने फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया कौन से वाले डेटा को, डेटा एंट्री एंड सो ऑन, ये कर दिया। व्हाट हैपेंड, नेम डेटा, ओ माय गॉड, डेटा विल मीन डी डिफाइन कर रखा, हाँ, सो हियर आई विल गो विद डी, ये लिया मैंने, इसको रन करा दिया, ये रन हो गया। अब देखो यहां पर क्या एरर आ गया, यहां पर आ गया कि एक्सपेक्टेड अ 2D एरे एंड गॉट अ 1 डायमेंशनल एरे, जबकि लेवल एनकोडिंग में तो हमारा क्या होता था, हम 1 डायमेंशन एरे को भी कर लेते थे, बट यहां पे क्या है, ये 2 डायमेंशन एरे मांग रहा है, मांग रहा है कि नहीं मांग रहा, यस और नो। तो सर हम एक काम करते हैं, अगर 2 डायमेंशन देना है मतलब इसको ऐसे पास करनी पड़ेगी, ये एक, ये एक, और इसके बाद कॉमा, हो गया 2 डायमेंशन। अब मैं प्रिंट करके देखता हूं किसको, डी को, जब मैं डी को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास जो डी आएगा वो देखो क्या हो गया, ये तो एरे बन गई सर, 2 डायमेंशन एरे, देखो जरा बन गई कि नहीं बन गई, वन हॉट एनकोडिंग किसी ढंग से पॉसिबल हो पा रही है, नहीं। इसके लिए हम कभी भी इसका क्या नहीं बनाते, डेटा फ्रेम में नहीं बनाते हम, वन हॉट एनकोडिंग करेंगे तो हमेशा उसकी क्या बनाएंगे, एरे बनाएंगे, ऑलवेज वी फॉर्म एरे, वी डू नॉट फॉर्म लेबल एनकोडिंग, लेबल एनकोडिंग में कभी भी डेटा फ्रेम से नहीं बनाते, हमेशा क्या बनाएंगे, एरे बनाएंगे। तो एरे कैसे बनाते हैं वो देखो जरा, इसी वाले पार्ट में, हम कभी भी ऐसे नहीं करते, हम ये वाला पार्ट नहीं, मैं ये भी लिखा रहने दे रहा ताकि आप लोग को ये पता रहे। तो हम क्या करेंगे, मैं ये वाला पार्ट कॉपी कर, ये पूरा ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ ये वाला पार्ट, और ये इसका करेक्टिव मेजर है, ये इसका करेक्टिव मेजर है, करेक्टिव मेजर में क्या लिखूंगा, मैं डायरेक्टली यहां पे लिखूंगा डेटा इक्वल टू एनपी डॉट एरे, और इसके अंदर लिखूंगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी कॉलम ट्रांसफॉर्मर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म और इसके अंदर पास करा दूंगा डी। तो यहां पर भी मैं काम करता हूं, मैं डी ले लेता हूं, उसको डेटा नहीं है तो डी है, ये हुआ मेरा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर कॉमा दिया, उसके बाद अब इसका डी टाइप क्या लिखना है, तो डी टाइप आप यहाँ पे डी टाइप भी दे सकते हैं इक्वल टू एनपी डॉट एस टी आर, अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको, करने की जरूरत नहीं है, ये वो तो लिख दिया बस मैंने इसको एनपी डॉट एस टी आर, और मैं भी इसको रन करता हूँ, ये लिया मैंने इसको रन कर दिया, तो numpy इज नॉट इम्पोर्टेड, सो आई हैव टू इम्पोर्ट numpy ऑल्सो, इम्पोर्ट numpy एज एनपी। नाउ व्हाट इट इज सेइंग, इट इज सेइंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अलाउड, वाई, ओके कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से अच्छा बेटर है वन हॉट एनकोडिंग से कर लेना ना, ओ एच ई, now it is saying setting an array element with a sequence,
ये हो गया, और डी को हम करा लेते हैं प्रिंट, तो जो डी आई वो क्या आई मेरी, मेरी एक स्पार्स मैट्रिक्स बन गई 4,7 की, यस और नो, विच एलिमेंट स्टोर्ड इज 8, 4,7 की मतलब 28/8 की एलिमेंट बन गई, क्योंकि इसने क्या करा, वन हॉट एनकोडिंग इन वालों को भी कंसीडर कर दिया। तो हमने क्या करा, हमने अभी इस वालों को हटा दिया ताकि हम उस पर्टिकुलर एरे को देख पाए, और एरे को भी देख लोगे तो मैं दिखा देता हूँ, एरे को यहाँ पर आ गया, मैंने केवल एक कॉलम लिया, अभी एक कॉलम का दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को करके फिर से। तो मैंने इसको लिया, रन कराया, 4,3 की बन गई। अब देखना है तो डी डॉट आपको देखना है यहाँ पे, तो आपने क्या करा, यहाँ पर आए, यहाँ पे देखा कि यार कोई शो करने का ऑप्शन है क्या यहाँ पे, व्यू करके ऑप्शन है, व्यू करके देखा, ओके व्यू में यही आ रहा, बट ये हमारी बनी कहाँ होगी, तो डी वाले में देख ले, वेरिएबल एक्सप्लोरर में कहीं ना कहीं तो बना ही होगा ना, तो वी जब आप व्यू पर आपको एरर आ जाएगा, देखो एरर क्या आ गया, जो आपका एरर आया वो आया ऑब्जेक्ट एरे कांट करंट सपोर्ट, मतलब आप उसको एरे को ओपन नहीं कर पा रहे हो, यस और नो भाई, हो रही ओपन पर स्पार्स मैट्रिक्स बन गई, स्पार्स मैट्रिक्स जो बनी होगी वो कुछ ऐसी बनी होगी, देखो जरा यहां आपकी लिखी होगी कुछ ऐसी, जो मैट्रिक्स और गाइस फॉर द डिले, तो जो स्पार्स मैट्रिक्स आपकी बन के आएगी वो कुछ ऐसी बन के आएगी, दिखाऊंगा कैसे व्यू करते हैं, आई विल टेल यू दैट आल्सो, बट पहले देखो स्पार्स मैट्रिक्स बनती कैसे होगी। ये आपकी कॉलम हुआ 4,3 है, तो ये क्या हुआ 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये आपका क्या हुआ इंडिया, ये आपका क्या हुआ चाइना, ये आपका क्या हुआ जापान, ठीक है, पहले वाले केस में चाइना इंडिया 1, तो 1, बाकी सारी कंडीशन क्या हो गई 0 हो गई। इस केस में क्या है, इस केस में है सेकंड वाले में क्या है चाइना, तो ये 0, ये 1, ये 0, थर्ड वाले केस में जापान, ये 0, ये 0 और ये 1, इस वाले केस में क्या है ये इंडिया 1, 0, 0। भाई अब आप सिंपल सा देखो इस मैट्रिक्स को, देखो जरा ध्यान से यार, ये डमी वेरिएबल वाली मैट्रिक्स की तरह नहीं लग रही, जस्ट लाइक डमी वेरिएबल है या नहीं, बट ये एनपी एरे है, ये कौन सी है, ये एनपी एरे है, और वो हमारे क्या होते हैं डेटा फ्रेम्स होते हैं, तो शायद एरे और डेटा फ्रेम्स को हैंडल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, समझ रहे पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, आप डेटा फ्रेम से भी जाते हो, आप एरे से भी जा सकते हो, जैसे नंपी मैंने पढ़ाई थी आप लोग को, अब ये एरे बन क्या है, ये डी क्या है, एक एरे, दिस इज एन एरे। मुझे एक बात बताओ, आपको अगर दो एरे कंबाइन करना हो, जैसे आपने कहा सर ये मेरी एरे तो बन गई, अब मुझे इसको डेटा के साथ कंबाइन करना है, तो यार जरा सिंपल सी बात है, डेटा के साथ आपको कैसे कंबाइन करनी पड़ेगी, ऐसी तो कंबाइन करनी पड़ेगी, यस और नो भाई, आपको एरे ऐसी तो कंबाइन करनी पड़ेगी ना डेटा के साथ, या सर तो बेसिकली सर लेबल एनकोडिंग और मतलब ये वन हॉट एनकोडिंग में केवल इतना सा अंतर है, उसमें डेटा फ्रेम में कॉलम ऐड होता है और इसमें इस मैट्रिक्स बनती है, इसमें जो काम होगा वो एरे पे काम होगा, और जो वन लेबल एनकोडिंग में और डमी वेरिएबल फॉर्मेशन में उसमें डेटा फ्रेम्स बनते हैं, मतलब सीरीज बनेगी, इसमें क्या बनती है एरे बनती है, स्पार्स मैट्रिक्स बनती है। तो एरे को दोनों को अगर आपको ऐसे ऐसे कंबाइन कराने हैं तो आप जानते हो क्या यूज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल स्टैक, और अगर आपको एरे को ऐसे और ऐसे कंबाइन करने हैं तो आप क्या यूज कर सकते हो इसमें, वर्टिकल स्टैक, याद आया वर्टिकल स्टैक और हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग में,
यस सर, या फिर आप उसको इस तरह से बना के अपना एक पूरा एक्स बना सकते। भाई ये पार्ट क्लियर हो गया। चल अब हम चलते हैं अपनी केस स्टडी पर, ठीक है? तो केस स्टडी के लिए चाहिए मुझे डेटा, सो नाउ आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द केस स्टडी। केस स्टडी हमारी कौन सी वाली थी? हमारी थी ऑनलाइन सेल्स परचेज फ्रॉम अ स्टोर। ये हमारी केस स्टडी थी, हमारी बिजनेस प्रॉब्लम यही थी, ठीक है? तो बिजनेस प्रॉब्लम है तो मुझे डेटा चाहिए, और सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप करता हूं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट डेटा। आई विल सपोज फर्स्ट फर्स्ट स्टेज वन। स्टेज वन क्या होगा? स्टेज वन इंपोर्ट लाइब्रेरीज एंड डेटा। कैसे करूंगा? आई विल से इंपोर्ट numpy as np and import pandas as pd. I will import matplotlib.pyplot as plt. I will import seaborn as sns. भाई मैं ये करूंगा, ठीक है? अब ये करने के बाद मुझे क्या करना है? डेटा लाने। सो आई विल से डेटा इक्वल टू पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर फाइल फॉर्मेट। और फाइल फॉर्मेट के हिसाब से मेरे को डेटा चाहिए, तो डेटा मेरा गाइस कहां पर है? कहीं ना कहीं तो होगा। तो आता हूं बैक, सर्च करता हूं डेटा कहां पर है। शायद रिसाइकल बिन में होगा डेटा। सो हियर कम आई फॉर रिसाइकल बिन। वेयर इज द रिसाइकल बिन? डेटा मेरा कहां पर पड़ा हुआ है? यहाँ पे तो डेटा है, यहाँ पे माय बैकअप डेटा नहीं, डेटा तो मेरा कहीं नहीं पड़ा हुआ है। सो लेट मी कॉपी द डेटा फ्रॉम द सोर्स ओनली। सोर्स से ले लेते हैं डेटा, ऐसा कुछ नहीं। I've taken data from here. Data का नाम है, नाम ले लेता हूं सुपरमार्केट परचेज। यहां पे आता हूं, वर्किंग डायरेक्टरी को कहां सेट करता हूं? अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को सेट करता हूं यहां पे। ये वर्किंग डायरेक्टरी सेट हो गई। ये csv है, csv लिख देता हूं, ये डॉट csv फाइल एक्सटेंशन, और इसको कर देता हूं, पहले ऊपर वाले को रन करता हूं, एरर आ जाएगा क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं हो पाया था पूरा। और ये नाउ इट इज सेइंग सीबॉन, सीजबॉन हो गया, सीबॉन था। एंड डेटा इंपोर्ट हो गया सक्सेसफुल। अब अगर आपको डेटा देखना है, डेटा को देखना है, तो अब आप, मैं आप लोग से पूछता हूं, आपको ये प्रोजेक्ट किसके अंदर करना है? स्पाइडर में करना है, जुपिटर में करना है? वेयर यू वांट टू डू, स्पाइडर और जुपिटर? जुपिटर थोड़ा इंटरेक्टिव है, हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं स्पाइडर फाइल में। नहीं, जुपिटर से स्पाइडर फाइल डाउनलोड हो जाती है, ठीक है? सब स्पाइडर कह रहे हैं, स्पाइडर में करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखना चाहता हूं कि डेटा इज इंपोर्टेड और नॉट, मैं प्रिंट करके देख लेता हूं डेटा डॉट हेड। जब मैंने हेड इसमें प्रिंट करके देखा तो मेरे पास आउटपुट क्या आया? अरे ये आ गया, इसका मतलब है हाँ सारा का सारा डेटा क्या हुआ, आ चुका है। देखो जरा,
अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर किस वे में करते हैं, कैसे करते हैं, हम उसको देखते हैं। चलिए, अच्छा दोनों सेम कर दिया, ओ ये पीडी कर देते हैं, पीडी कर दिया, ठीक है, ऑलरेडी पीडी था ऊपर तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू सम डेटा डिस्क्रिप्शन, आई विल से डेटा डॉट इन्फो, इंफॉर्मेशन चेक कर, इंफॉर्मेशन में देखा केवल एज के अंदर नल वैल्यूज हैं और वो फ्लोट टाइप की हैं, डेटा फ्लोट टाइप का है, एज में नल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं वो फाइल को खोल ओपन करता हूँ, उसमें देखता हूँ कौन सी वाली, ये वाली है, तो ये ओपन करी मैंने फाइल। तो यहाँ पे देखो जब आपकी मिसिंग वैल्यूज होती है ना तो उसकी जगह क्या आती है, उसकी जगह एम्प्टी स्पेस आती है, यहाँ पर एन ए लिखा है। यहाँ पर आप देखो जरा, जब भी आपकी मिसिंग वैल्यू होगी ना तो कुछ ऐसा आएगा, एन ए नहीं आएगा, अगर फाइल के अंदर एन ए है तो वो फिलअप नहीं होगा, बाद में भी क्या दिखाने लगेगा आपको, दिखाने लगेगा यहाँ पर भी आपकी क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। जो एम्प्टी स्पेस होती है, अभी भी दोहरा रहा हूं, वो हमेशा एम्प्टी दिखेंगी। अगर आपकी कहीं भी किसी के भी अंदर आपकी अगर ये दिख रही है ना, एन ए लिखा हुआ है, एन ए होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड की चीज हमेशा कैसी होती है, स्ट्रिंग टाइप की होती है, वो फिलअप नहीं होती है, वो एन ए ही रह जाएगी, इसलिए आपका फाइनल जब एरे बनाओगे ना तो आपका एरर आएगा। तो इनको चीज को क्या करना होता है, मैनुअली हटा देना पड़ता है अगर ये फाइल में होती है, वैसे तो नहीं होती है पर कभी कभी आ जाए तो इनको मैनुअल हटाना पड़ता है। तो ये थोड़ी बहुत डिफिकल्टी है इन चीजों के साथ, क्या होता है ना गाइस, वैसे तो आती नहीं है फाइल में, ये तब आएंगी जब आप खुद से कोई डेटा हटाओ। यहाँ पे मैंने खुद से कोई डेटा हटाया था इस फाइल से, इसलिए ये आ गई होगी। तो समटाइम्स इट हैपन, अदरवाइज इट वोंट हैपन। अगर कभी ऐसा आ जाए तो मैनुअली आप हटा लें, छोटी फाइल में से आप इजिली हटा सकते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा सा डेटा। अब इसको मैं फाइल सेव हो गई, सेव होने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको रीड करा लेता हूँ। यहाँ ये रीड हो गई, ये मेरा पूरा पार्ट आ गया। अब यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, तो मिसिंग वैल्यू कितनी है और अनमिसिंग वैल्यू कितनी है, तो उनका परसेंटेज आप निकाल ही सकते हैं। तो अब मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ मिसिंग वैल्यू, तो मैं लिख दूंगा परसेंटेज इक्वल टू यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा गाइस, यहां पे क्या लिखूंगा आप बताओ, हाउ टू शो नॉन नल। तो देखो यहां पे एक फंक्शन होता है, लिख सकते हो डेटा डॉट नॉट नल डॉट सम, तो ये आपको दे देगी नॉट नल का काउंट। तीन सौ बारह मिसिंग नहीं है, बाकी सारे मिसिंग है। और अगर आपको मिसिंग चाहिए तो आप इससे ले सकते हैं डेटा डॉट इज नल, जो नल वाले होंगे वो इस वाले से आ जाएंगे। आगे ये सुनो, ओके 13 मिसिंग है, परसेंटेज लिख लें तो क्या लिख रहे हैं, डेटा डॉट इज नल डॉट सम काउंट मल्टीप्लाई बाय 100 एंड टोटल डिवाइड बाय लेंथ ऑफ डेटा, और पीआर को मैंने इसको रन करा दिया, रन कराया तो यहाँ पे 4% डेटा मिसिंग है, इसका मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, हम ले सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये करा जा सकता है, अब अगर ये करा जा सकता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फिल अप कर सकते हैं। तो फिल करते हैं मिसिंग वैल्यूज को। अब आपके माइंड में एक चीज आई होगी, सर अगर टेक्स्ट टाइप है तो उसको फिल अप कैसे करेंगे, बताओ सोचो। अब मिसिंग वैल्यू आई है तो मिसिंग वैल्यू के साथ में और एक चीज डिस्कस कर लेता हूं,
ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं यहीं पर। अगर सपोज करो मिसिंग वैल्यू आपकी कुछ ऐसी है, अगर आपकी मिसिंग वैल्यू आपकी टेक्स्ट में है तो आप कैसे फिल अप करोगे। तो मैं अभी अपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड करता हूं और मैं मिसिंग वैल्यू पे आता हूं इस फ्रेम में। जरा इसको मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है। मैं इस वाली फाइल पर आता हूं और इस वाली फाइल में से ये वाले पार्ट को क्या कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं। ये वाला पार्ट डिलीट हो गया पूरा। अब जरा इसमें देखो, ये छोटा सा डेटा है, इसमें कुछ वैल्यू मिसिंग है और मिसिंग के अंदर जैसे देखो कुछ स्टूडेंटों के कॉलेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ठीक है गाइस। और इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण मुझे इसी डेटा में फिलअप करनी है, तो मैं कैसे फिलअप करूंगा। जैसे सपोज करो मैं ये डेटा लेता हूं, तो जैसे मैंने लिखा वो डेटा, सो आई विल से डी इक्वल टू पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी माई डेटा डॉट सी एस वी एन डी। मैंने इसको रन करा तो देखो मेरे पास क्या आ गया, वो सारा डेटा आ गया। अब जो डेटा है उसमें एन ए एन आ गया और एन ए एन स्टैंड फॉर नॉट नल वैल्यू। नॉट नल मतलब नल वैल्यू यहां पर फिल्ड अप है, यहां पर कोई वैल्यू नहीं डिफाइन है, देख लो आप लोग। अब इसमें अगर आपको फिल करना है तो यहां पर तीन क्राइटेरिया होते हैं, यहां पर कितनी होती, तीन पॉसिबल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया कौन से होते हैं, या तो आप जो मिसिंग वैल्यू है उसको एक कॉमन वैल्यू से फिलअप कर दो। सेकंड क्राइटेरिया, जो मिसिंग वैल्यू है उसको अपर वैल्यू से फिलअप कर दो, या जो मिसिंग वैल्यू है उसको लोअर वैल्यू से फिलअप कर दो। अब लोअर में कौन सी होगी, अपर में कौन सी होगी, जरा देखना। देखो अगर यहां पे ये एन एन है, अगर मैं कॉमन वैल्यू से करूं तो इस जगह और इस जगह तीनों की जगह आ जाएगी कॉमन वैल्यू, कॉमन वैल्यू भर जाएगी। तीनों की जगह क्या फिलअप हो जाएगी, कॉमन वैल्यू एड अप हो जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं भरता हूं कॉमन वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी विद द कॉमन वैल्यू, जैसे मैंने लिखा दी और उसके अंदर कॉलेज इक्वल डॉट फिल एनी, किससे, कॉमन वैल्यू से। कॉमन वैल्यू क्या है, नो कॉलेज, मतलब इनके बारे में कोई कॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं है। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू एंड प्रिंट डी। जैसे मैंने क्या करा, कॉलेज वैल्यू को फिलअप करा किससे, इस पर पॉइंट ऑफ पैरामीटर से। तो ये कैसा फिल्डअप होके आया, जैसे मैंने अब इसको रन करता हूं तो जो कॉमन वैल्यू से फिलअप हो गया होगा, देखो जरा नो कॉलेज आ गई होगी हर जगह। देखो डेटा में आप किससे फिलअप हो गया, नो कॉलेज से। ओके नाउ इफ दिस इज करेक्ट देन वी हैव अनदर पैरामीटर कॉल्ड नोन एज अपर वैल्यू। तो व्हाट इज अपर वैल्यू पैरामीटर, आई विल कॉपी दिस ओनली, आई विल कॉपी दिस स्टफ एंड पेस्ट इट अप हियर एंड जस्ट रिमूव दिस एंड आई एम कॉपिंग दिस पर्टिकुलर स्टफ एंड पेस्टिंग दिस। अपर वैल्यू का मतलब क्या होता है गाइस, अपर वैल्यू का मतलब होता है उसकी ऊपर वाली वैल्यू से। तो जरा देखो जरा ध्यान से, ऊपर वाली वैल्यू का मतलब क्या है,
यहाँ पर NAN होता नो कॉलेज की तरह, वो किससे भर जाता? IIT से, और ये दोनों किससे भर जाते? IIM से भर जाते। अगर ये वाकई में भरते तो यहाँ पर क्या मेथड चेंज होता? तो यहाँ पर क्या करता, यहाँ पर ये ना करके यहाँ पर कुछ ऐसे करता कि जो मेथड लेता वो क्या लेता, एफ फिल, मेथड एफ फिल ले लेता, और जब मैं इसको रन करा तो देखो क्या होता, वो सारा डेटा किससे भर जाता? IIT और IIM से भर जाता। देखो जरा, बिल्कुल ऐसी भरता जैसे मैंने बोला था। यस, इन केस ऑफ एफ फिल, पहली जैसे केवल फर्स्ट वैल्यू मिसिंग है तो भाई केवल वही भरता। बट आपको सपोज करो, आपने देखो इसमें क्या करा, इसमें एक और मेथड है। जैसे आपने कहा सर मुझे ना केवल इसको भरना था, किससे? इस वाले को भरना था IIM से, सॉरी इस वाले को भरना था IIM से, और इसको भरना था प्राइवेट से। आपकी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई। मतलब जरा एक काम करता हूँ, मैं इस डेटा को रन कराता हूँ, देखना जरा आप कंडीशन बताता हूँ। कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपको क्या करना है, आपको देखो जो ये वाला है ना, इसको भरना है IIM से और इसको भरना है प्राइवेट से। अब देखो, अब कंडीशन बच गई खतरनाक सी, हो गई। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक पैरामीटर होता है जिसको कहते हैं लिमिट। इसमें ही एक पैरामीटर होता है जिसको कहते हैं लिमिट। मैं इसको कॉपी करता हूं, इसको नीचे पेस्ट करता हूं। ये क्या है, ये है एफ फिल विथ लिमिट। तो यहां पर एक पैरामीटर होता है जिसको कहते हैं लिमिट। लिमिट में रखता हूं वन, लिमिट में क्या रख दिया, वन। तो वो क्या करेगा, वो केवल एक को ही भरेगा। अब देखो वो केवल एक को ही फिलअप करेगा, देखना जरा। जैसे कि मैंने इसको रन करा, ये रन हुआ, और रन होने के बाद देखो अभी भी क्या आया, उसने केवल एक को ही फिल करा, बाकी सारी क्या है, एन ए एन है। यस और नो, ये एन ए एन है कि नहीं? इसको मेरे को फिलअप किससे करना है, प्राइवेट से। तो प्राइवेट के लिए मैं क्या लूंगा, बैक, मतलब नीचे वाले से करना है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड फिल लिया था, यहाँ पे क्या लूंगा, बैकवर्ड फिल, मतलब बैक फिल। तो बैक फिल वाले में क्या कर दूंगा, यहां पर आके मेथड इक्वल टू बैक फिल, बी फिल, ठीक है। और बी फिल करने के बाद क्या करूंगा, उसी डेटा में जो अभी डेटा है मेरा, उसी के अंदर बैक फिल कर दूंगा। और आपका क्या हो जाएगा, देखो जो प्राइवेट वाला, जो दोनों प्राइवेट से हो गए और वो IIM से हो गया। ये पार्ट क्लियर हुआ? कभी कभार अगर ऐसा डेटा फिल उन करने को मिल जाए तो आप कर लोगे? ओके, तो इस पार्ट को मैं क्या करता हूँ, इस पूरे पार्ट को यहां से कॉपी कर देता हूँ, और इसको अपने जो क्वेश्चन वाला है ना, इस वाले में से इसको कट कर लेते हैं और ऊपर पेस्ट कर देते हैं यहां पर केस स्टडी से पहले। ये आपकी होगी केस स्टडी से पहले, ठीक है? ओके भाई, मिसिंग वैल्यू है तो उसको फिलअप करना है। तो मिसिंग वैल्यू को ट्रीट करने के लिए हमें डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ता है। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन किसका देखेंगे, एज वाले का। डॉट प्लॉट डॉट, इसका एज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा आया, देखो जरा। अब जरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो कहां तक है। आपको अगर देखो तो इसका डेटा कुछ ऐसे ही तो है, यस और नो? मतलब मैक्सिमम डेटा आपका राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, राइट स्क्यूड है। तो जितनी भी भाई मिसिंग वैल्यू को से फिर भर दें डेटा, इसके अंदर जो भी मिसिंग वैल्यू हो डॉट फिल एन ए डेटा, के अंदर जो एज वाली है उसको किससे भर दें, मीडियन से, कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ये रन हो गया तो क्या देख सकते हैं, डेटा डॉट। रन होने के बाद क्या कर रहे हैं, परसेंटेज वाला चेक करते हैं, परसेंटेज मिसिंग वैल्यू कॉपी पेस्ट डाउन हियर, हो गई फिल। इन प्लेस का रूल क्या है, इन प्लेस का रूल ये है कि जहां जहां आपकी मिसिंग होगी ना,
केवल वही वाली फिलअप करेगा, सारी वैल्यूज को इनप्ले ये मीडियन से रिप्लेस नहीं करेगा, हर एक वैल्यू को रिप्लेस नहीं करेगा, केवल उसी को रिप्लेस करेगा जो मिसिंग है। ओके, अब सपोज करो आपको केवल वो वाले कॉलम्स निकालने हैं जिसके अंदर क्या है, टेक्स्ट डेटा है। तो टेक्स्ट डेटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्या आप लिख सकते हो वेर इक्वल टू डेटा डॉट, एक सेकेंड, पीडी डॉट डॉट, मैं एक फंक्शन देख रहा हूं गाइस, जस्ट अ सेकेंड, फंक्शन देख रहा हूं, मेरे को देखने दो यार, गेट डमीज, देखो यहां पर पैरेलल करके भी फंक्शन होगा। यस यू कैन चेक द आउटलायर ऑल्सो, चलो ठीक है मैं आउटलायर देख लेता हूँ फिर वो फंक्शन देख लूंगा। तो आउटलायर, अब देखो आउटलायर आप ज्यादा किसके देखोगे, एक्स वेरिएबल्स के देखोगे, नॉट ऑफ वाई, वाई का मत देख लेना आउटलायर। आउटलायर वाई का तब करते हैं जब मॉडल बन जाता है, अगर उसमें पॉसिबिलिटी है तो, इसका तब देखेंगे इफ नेसेसरी, अदरवाइज हम इसको लेफ्ट कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, कभी भी एक्स में ही लगेंगे। तो अगर मैं आउटलायर देखूं तो मेरे को सीबॉन से देखना पड़ेगा, तो एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट डेटा एज। अब देखो जो आउटलायर है वो क्या है, वो दो आउटलायर हैं, और इतने तो डेटा में अगर दो हैं तो ये कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, तो आप इनको क्या कर सकते हो, लेफ्ट आउट भी कर सकते हो, भाई ये बहुत ज्यादा नहीं है, पर देखना है अगर आपको तो आप क्या लिख सकते हैं, डेटा एज डॉट क्वांटाइल, मैंने आपको क्वांटाइल बताया था, मैं क्वांटाइल के लिए क्या लेता हूँ, 96% क्वांटाइल ले लेता हूँ, 96% पे जो क्वांटाइल आई है वो 55 वैल्यू आई है, बट यहाँ पे तो 99 पे क्या वैल्यू आ रही, जो बाय डिफॉल्ट जो बुक्स में दे रखा है वो 59 दे रखा है, मतलब 1% आउटलायर। तो जो बुक्स में दे रखा है आउटलायर ट्रीट करने के लिए दे रखा है अपर एंड से 1%, अपर एंड से 99 परसेंटाइल पे, और लोअर एंड से 1%, ठीक है। तो हम 99 परसेंटाइल पे अकॉर्डिंग टू चलते हैं, तो कैसे लिखेंगे, डेटा ये जो एज वाला कॉलम है इक्वल टू एनपी डॉट वेयर, जहां पे मेरा डेटा वाला कॉलम है एज डॉट, अब इसके अंदर अगर ये ग्रेटर देन 59 हो इक्वल टू, तो इसको कहां पर ले आना, 59 पे ले आना, कॉमा किस में से, डेटा एज वाले पे, ठीक है। क्वांटाइल, क्वांटाइल क्या होता है, क्वांटाइल आपका रहता है कि 99% तक कितना डेटा आ चुका है, 99% पे कितना डेटा आ चुका है। तो यहाँ पे जो 59 वैल्यू है ना, 59 वैल्यू का 59 वैल्यू डिफाइन करने का ये मतलब है कि इतना सारा डेटा यहाँ तक आ चुका है, 99 परसेंटाइल क्वांटाइल का मतलब, ठीक है। मैं आपको क्वांटाइल एक बार और एक इधर बता देता हूं, जैसे देखो अगर आप देखो डेटा डॉट डिस्क्राइब, जैसे मैंने डेटा के अंदर एज वाला डिस्क्राइब करता हूं, ठीक है, देखना जरा, तो जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छी चीज बोल रहा है, ये जो बोल रहा है वो कह रहा है कि यार सर 25% तक जो मैक्सिमम वैल्यू गई है डेटा में वो क्या गई है, 33, यस और नो, मतलब है कि 25% तक जो वैल्यू मिलेगी वो 33 मिलेगी। तो अगर मैं इस वाले को लेके चलूं,
क्वांटाइल को और यहाँ पे क्या लिखूं 0.5, तो ये मेरे को जो वैल्यू देगा वो कितनी मिलेगी, 33 आएगी। आप देख पा रहे हो कंपेयर हो रहा है थोड़ा कि वैल्यू क्वांटाइल वाली कौन सी है। क्वांटाइल अगर मैं बात करूं, जैसे मेरा डेटा है उसको मैं डिवाइड कर दूं चार इक्वल पार्ट्स में, ये मेरा डेटा है, इसको 100% डेटा है, तो मैं इसको चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो यार आप ध्यान से देखो सारे के सारे पार्ट अगर मैं 100% को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ये सारे पार्ट की जो इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, 25% होगी या नहीं होगी, यस और नो? तो 25% तक कितने अमाउंट ऑफ डेटा आ जाता है वो होता है क्वांटाइल। क्वांटाइल 1% भी हो सकता है, 99%। तो मैंने क्या करा, मैंने इस पर्टिकुलर क्वांटाइल को क्या करा 99% पे ले लिया। 99% पे लेने के बाद इसको रन कर दिया और इसका बॉक्स प्लॉट देखिए, बॉक्स प्लॉट देखा हो गया क्वांटाइल, आउटलायर हट गए, ये हो गया आउटलायर ट्रीटमेंट इसका खत्म। अब मैंने कहा अगर मैं देखूं इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, टेक्स टाइप के हैं, तो टेक्स को क्या बनाना है, डमी बनाना पड़ेगा। लेबल एनकोडिंग ना बेटर है, लेबल एनकोडिंग से बेटर है डमी वेरिएबल से जाना, हमेशा डमी वेरिएबल्स यूज करना है। लेबल एनकोडिंग कर सकते हो, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेबल एनकोडिंग बेकार है, आप डमी से भी जा सकते हो, आप लेबल एनकोडिंग से भी जा सकते हो। साइन इन डेज में आप उसमें भी चेक कर सकते हो, जैसे साइन इन डेज में है ना, तो जैसे अगर मैं बात करूं साइन इन डेज की, तो जैसे मैं यहाँ पे ये चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। इसमें जो बॉक्स, इसमें जो आउटलायर आ रहे हैं वो कहां पर आ रहे हैं, डाउन द बे आ रहे हैं, और डाउन द बे में ये कितने परसेंट आउटलायर होंगे, कितने परसेंटाइल पे होगी। तो चलो हम एक काम करते हैं, हम इसको चेक करते हैं, ऐसे मैं लिखता हूं डेटा और इसमें यही वाला डॉट क्वांटाइल, क्वांटाइल कितने परसेंट पे, 0.01, 1% क्वांटाइल चेक करते हैं, 1% क्वांटाइल पे क्या वैल्यू आ रही है उसको देख, 1% पे क्वांटाइल वैल्यू आ रही है 31, बट हम क्या ले सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड ले रखा है वो 4% ऊपर 4% नीचे, तो हम एक काम करते हैं हम 6% ले लेते हैं नीचे से ही पूरा का पूरा, 40.44 आ रही है, 6% करते हैं तो 40.44 वैल्यू होगी 6% के लिए। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ये जो वैल्यू है हम इसको यहीं पर क्या कर देते हैं, फिलअप कर देते हैं, डेटा ये इक्वल टू एनपी डॉट डेटा ये वाला, अगर ग्रेटर देन 40.44, इसकी वैल्यू को 40.44 पे अलाइन कर दो, कॉमा डेटा और ये, और इसको क्या कर दिया, रन कर दिया, ये रन हो गया। इसके बाद आपने क्या देख लिया, इसमें आउटलायर देख लिया, सॉरी बॉक्स प्लॉट से क्या कर दिया, सीबॉन से। अब देखो क्या गलती हो गई यहाँ पे, ग्रेटर देन वाले को सबको कहाँ कंप्रोमाइज कर दिया था गलती से, यहाँ पर कन्वेंशन देने में दिक्कत हो गई ना, कन्वेंशन क्या देना था, लेस देन देना था, कन्वेंशन ग्रेटर की जगह लेस देन इक्वल टू देना, तो कन्वेंशन बिगड़ गया, तो सारा डेटा क्या कराना पड़ेगा, फिर से चलाना पड़ेगा। तो कुछ दिक्कत होती है इसमें कि अगर आप एक कन्वेंशन छोड़ोगे तो दूसरे कन्वेंशन से आपको क्या करना पड़ता है, इश्यू आ जाते हैं। भाई सारे नहीं ट्रीट हुए, सारे नहीं ट्रीट करना है आपको, कुछ परसेंटेज ट्रीट करना होता है, ये नहीं कि भाई पता पड़ा यहां तक आउटलायर आ रहा है तो आपने यहां तक, पता पड़ा आउटलायर यहां तक खींच रहा है तो आपने यहीं तक आउटलायर हटा दिया, नहीं, सारा आउटलायर नहीं, थोड़ा सा आउटलायर ट्रीट कर सकते हो, मैक्सिमम जो आउटलायर की है ऊपर और नीचे वो 8% दे रखी है, मतलब 92% आपका डेटा ओरिजिनल रहेगा, बाकी क्या रहेगा, कंप्रेस रह सकता है जो रूल दे रखा है।
ठीक है, हमने ये कर दिया। उसके बाद हम क्या पहुंचे, हम पहुंचे थोड़ा और आगे की तरफ। हमने कहा कि यार अगर मैं इसमें बात करता हूं कि ये जो डेटा है उसमें मैं डमी वेरिएबल की बात करता हूं, तो मैं डमीज बना देता हूं। अब डमी के लिए मेरे को वो सारे कॉलम चाहिए जिनका डेटा क्या हो, टेक्स्ट टाइप का हो, तो मेरे को टेक्स्ट टाइप के कॉलम चाहिए। तो मैं सिंपल ले सकता हूं कि अगर जो मैं बात करूं वेरिएबल, या मैं काम करता हूं, लूप चलाता हूं फॉर आई इन डेटा डॉट कॉलम्स, इफ डेटा का जो आई डॉट टाइप डबल इक्वल टू ऑब्जेक्ट, नहीं नहीं 8% ऊपर और नीचे से है, आप एक ही जगह से 8% नहीं ले सकता ऋषभ, ऊपर नीचे मिला के 8% और 6% का रेशियो चलता है। बेसिकली हम 6 पे चलते हैं, सेफ साइड 6 रहती है, 6 ही लेते हैं। 8% ऊपर नीचे, 4 नीचे 4 ऊपर से, बट अगर एक ही साइड से करना है तो मैक्सिमम 6 ले सकते हो। बुक्स में लिखा नहीं है, इंडस्ट्रियल एक्सपेक्ट है, ठीक है, ये वर्क करते हैं ना जब इंडस्ट्री में, तो मतलब जो सीनियर होते हैं वो बताते रहते हैं कि देखो इसमें ना ये ले सकते हैं, इसमें ये ले सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो जाए तो क्या करा दो, अपेंड करा दो, अपेंड क्या करा दो, प्रिंट ही करा दो किसको, आई को डायरेक्ट। तो ये वाले सारे कॉलम्स हैं जो किसके हैं, मेरे डमी वेरिएबल वाले हैं। तो चलिए डमी वेरिएबल सबसे पहले हम जॉब टाइप का देखते हैं। तो मैंने लिखा जेटी इक्वल, मैंने लिखा पीडी डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज, और डमीज के बाद क्या लिखा, डेटा किसका, जॉब टाइप का चाहिए। तो ये डेटा के अंदर ये जॉब टाइप वाला है कॉपी ये, ठीक है, और मैंने क्या करा जेटी का हेड देखा डॉट जेटी डॉट हेड, जेटी डॉट हेड देखा। तो यहां पर देखो मेरे पास कितने कॉलम है, 4। अब 4 कॉलम में से एक हटा दूं तो भी सेटिस्फाई हो सकती है कंडीशन, यस और नो। अगर मैं से इसमें एक कॉलम एम्प्लॉय वाला हटा दूं तो जिन 3 कॉलम में वैल्यू 0 होगी वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट किसको कराएंगे, उसको। तो मैं काम करता हूं, मैं इस वाले में से क्या करता हूं, ये वाला कॉलम हटा देता हूँ। कौन सा वाला, ये वाला फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर देता हूँ, यहां से लिख देता हूँ कॉमा ड्रॉप अंडरस्कोर फर्स्ट इक्वल टू टू। तो अब जेटी करा वो क्या आ गया, 3 आ गए, ओके, मतलब मेरा इसका डमी बन गया। तो मैं आपको ना तीनों चीज से बताऊंगा, मैं आपको इसी चीज को लेबल एनकोडिंग से भी प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, और उसमें हम देखेंगे कि हमारी जो पी वैल्यूज आ रही थी वो कैसे इफेक्ट हो रही हैं लेबल एनकोडिंग के कंपैरिजन में, ठीक है। अब दूसरा जो है वो कौन सा है, मैरिटल स्टेटस का। तो ये कर दूं मैरिटल स्टेटस एमएस इक्वल टू पीडी डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज डेटा मैरिटल स्टेटस ये कॉमा एमएस डॉट हेड। यहां पे देखा मैरिटल स्टेटस का एमएस डॉट हेड, तो देखो यहां पे नो और यस के टर्म्स में आए। अब नो और यस के टर्म्स में आपको क्या करने है, आपको एक रखने हैं। तो यहां पर आपको रूल क्या समझने है, जैसे सपोज करो आपके पास 4 कॉलम ऐसे आए जिसमें 2 कॉलम है जिसमें यस और नो है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप या तो उसके कॉलम को चेंज करोगे, आपको नो और यस में नहीं रखना है, आपको या तो एक को नो लेना है कॉलम का नेम और एक को यस लेना है। तो हम क्या करते हैं, हम जो मेट्रो सिटी वाले में है, मेट्रो सिटी में है, इसमें हम क्या रखते हैं, इसमें हम यस रखते हैं। तो यस रखना है तो एमएस से क्या करना पड़ेगा, डॉट पॉप, किसको पॉप करना पड़ेगा, नो वाले को, क्योंकि यस वाला रखना है। तो देखो Yes वाला आ गया, ठीक है। अगला जो है वो है क्या मेरा एजुकेशन, एजुकेशन में क्या लिखूंगा, edu इक्वल टू pd डॉट
गेट अंडरस्कोर डमीज डेटा एजुकेशन नॉट मैरिटल स्टेटस. I want education. ठीक है. अब इस वाले में एजुकेशन में देखेंगे क्या हेड और एजुकेशन में भी मैं से क्या कर सकता हूँ एक ड्रॉप कर सकता हूँ. इसमें क्या लिख दू ड्रॉप अंडरस्कोर फर्स्ट इक्वल टू ट्रू. ये हो गया. अब मैं बात किसकी करूंगा गाइस. अब मैं बात करूंगा इसकी डमी की. ये डमी है तो मैं डमी की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा ये लिखूंगा ये और मेट्रो सिटी. एमसी स्टैंड फॉर मेट्रो सिटी. तो पीडी डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज डेटा. इसके अंदर मेट्रो सिटी और मेट्रो सिटी में गाइस देखना क्या होगा आपका. जब आप हेड करोगे ना तो जो डेटा आएगा आपका बनके वो यस और नो में आएगा. तो याद रखना कभी भी मैरिटल स्टेटस को यस ले लो और इसको भी यस ले लो तो क्या दिक्कत आ जाएगी. मशीन नहीं समझ पाएगी ये कौन से वाले का नाम है. तो आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा कॉलम को या इंडेक्स देना पड़ेगा सफिक्स के साथ. तो इससे बेटर है जब आपके पास 3 से 4 यस आ जाएंगे तो आप उनको सफिक्स देके चलोगे. बट यहाँ पर हम क्या देते हैं यहाँ पर हम इसको नो कर देते हैं. तो यहाँ पे नो करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे आएंगे हम लिखेंगे एमसी डॉट पॉप और यहाँ से कौन सा वाला पॉप करा देंगे यस. इस वाले में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं हम इसमें नो कंसीडर कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैंने क्या करा जब मैंने इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा मेरा नो आ जाएगा. अब जो भी मेरे डमीज बने हैं मुझे उनको केस में क्या करना पड़ेगा कॉन्कैटनेट कराना पड़ेगा विद ओरिजिनल डेटा. मैंने क्या लिया मैंने लिखा डेटा इक्वल टू पीडी डॉट कॉन्कैट. कॉन्कैट करने के बाद लिखा ओरिजिनल डेटा कॉमा जॉब टाइप कॉमा मेट्रो मेटल स्टेटस कॉमा एजुकेशन कॉमा एमसी कॉमा. यहां पे एक्सेस इक्वल टू 1 दिया और डेटा डॉट कॉलम्स चेक करा. तो जब आपने इधर देखा तो आपको क्या मिला गाइस आपने देखा कि वो सारे कॉलम्स ऐड हो गएंगे. देखो ये सारे के सारे कॉलम्स ऐड हो गए. अब जिन जिन के डमी बनाए हैं एक्सेस 1 का मतलब क्या होता है आपको ऐसे ऐड करना है. देखो आपको डेटा को कैसे ऐड करना है आपको डेटा को रो के अकॉर्डिंग मतलब ऐसे ऐसे ऐड करना है. मतलब ये कॉलम है और ये कॉलम है ये दोनों ऐसे ऐड हो जाए. इसलिए एक्सेस क्या दी 1 दी. अगर ये और ये बनके और ऐसा ऐड कराते इस फॉर्मेट का तो एक्सेस क्या देते 0 देते. पर कभी भी 0 वाले के साथ नहीं डेटा डिस्टर्ब हो जाएगा आपका. ये मैंने आपको करके भी दिखाया था जब मैं कॉन्कैटनेट बता रहा था एक सिंपल वे में याद है आपको सर. या सर अगर जैसे हमारे पास 4 से 5 कॉलम है जो यस और नो के फॉर्मेट में हमें मतलब डमी क्रिएट करके दे रहे हैं तो जैसे इसमें 2 क्रिएट हो रहे थे तो आपने एक... फिर हमें सफिक्स लगाना तो पड़ेगा. आपने एक बार हमें जो कॉलम का नेम है ना उसमें सफिक्स ऐड करना होता है बस. यस ये कौन से वाले कॉलम का है जब वो आएगा तब मैं आपको वहां डिस्कस कराऊंगा. ये आप सर्च करके देखना जैसे बहुत सारे लोग ने ऐड करा था ना वैसे सर्च करके देखना कि कॉलम नेम में सफिक्स कैसे ऐड करते कॉलम नेम में सफिक्स कैसे ऐड करते. भाई गाइड मैं कर दे रहा हूँ फाइंड आप करके देखो क्योंकि इसमें आपको 2-3 मेथड मिलेंगे सफिक्स ऐड करने. यस सर. रिप्लेस करने का मेथड नहीं है सफिक्स ऐड करने के मेथड है. अंडरस्कोर करके ऐड हो जाता है. ठीक है. तो जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ जरा देखो जरा डमी जैसे अगर मैं डमी लिखता हूँ जैसे देखना पीडी डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज और देखो जैसे मैं इसके आगे ये लगाऊंगा तो देखो यहाँ पे प्रीफिक्स और प्रीफिक्स सेपरेटेड बाय आ रहा कि नहीं आ रहा. ठीक
ठीक है। तो जैसे अब मैं काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा वेरिएबल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे आए आपने कॉन्केटनेट तो कर दिए, पर मैं यहाँ पे थोड़ा आ रहा हूँ डिफरेंट के लिए। जैसे मैंने ये डेटा ले लिया, इसके अंदर मैंने ले लिए जेंडर, यहाँ पे कर दिया मेल, यहाँ कर दिया फीमेल, ठीक है। और इसमें एक और ले लिया, जिसमें ये भी ले लिया क्या, यहाँ पे ले लिया सिटी, या तो वो मेट यहाँ मेट्रो ले लिया, या तो यहाँ पे क्या होगा इन और आउट, या इन का मतलब वो रहता है, आउट का मतलब नहीं रहता। इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, डेटा फ्रेम में, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। अब इसका डमी बनाना है, यार ये वाला पार्ट ले लिया, कंट्रोल सी, इसका बनाना है आपको डी के अंदर से जेंडर वाले का। तो यार एक चीज तो आप जानते हो, जेंडर वाले का बनाना है तो डायरेक्ट जीएन लिख लें, जेंडर के लिए वेरिएबल ही तो लेना है, जेन लिख लिया, इसमें आपने लिख लिया डेटा और इसमें लिख दिया जेंडर, ठीक है। और मैं भी जेन को प्रिंट कराता हूँ, सेम वे में मैं किसको ले लेता हूँ, यहां से मेट्रो सिटी को, तो जेन की जगह क्या कर देता हूँ, एमसी कर देता हूँ, मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी ये ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मेट्रो सिटी कर देता हूँ, कॉपी और ये पेस्ट। और मैंने क्या करा, इसको रन करके देख, यहाँ पे रन करा, ये रन करा, ओके जेंडर, व्हाट हैपेंड, और डी में तो जेंडर था ही नहीं, डेटा में नहीं था, डी में था, 10 10 में आ गए, बट ये यस नो के टर्म्स में तो आए नहीं। भाई यस नो के टर्म्स में बना क्या कोई, मेल फीमेल के टर्म्स में बन रहा है ना, एग्री और नॉट। कभी कभार आपका ये भी मिल सकता है, बट कभी अगर यस नो आ गए, तो जैसे मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, जैसे मेरा जॉब टाइप में था मेट्रो सिटी यस और नो, तो यहाँ पे मैं इन है तो यस करता हूँ, और ये नो है तो इसको आउट करता हूँ, ठीक है। ये मेल और फीमेल के नाम से है, मेल फीमेल मैं भी क्या करता हूँ, यस और नो करता हूँ, यहाँ परचेज और नॉट परचेज कर देता हूँ, तब ज्यादा बेटर रहेगा हमारे, परचेज तो नो और यस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो जेंडर की जगह करना पड़ेगा परचेज, और इसको ऐसे लिखा रहेंगे, जरा देखो यहाँ पे ये आएगा यस, यहाँ पे भी यस आ रहा, और यहाँ पे भी यस नो आ रहा है, आ गए। अब सपोज करो आपको इसको डिक्रीज करना है, तो मेथड आपका क्या था, ये था, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये बाहर, ठीक है। यहाँ पे देखो आ रहा प्रीफिक्स सेपरेटेड बाय, पर प्रीफिक्स दिया तो नहीं है ना, तो प्रीफिक्स के लिए क्या करोगे, बाय डिफॉल्ट प्रीफिक्स के लिए लेना पड़े। अगर मैं लिखूं प्रीफिक्स अंडरस्कोर सेपरेट इक्वल टू, यहां पे ये ले लो, ठीक है। सेम वे में यहां पे क्या लेता, ये पैरामीटर ले लेता, और इस पैरामीटर को कॉमा लगा के यहां पेस्ट कर देता, और यहां क्या लिख देता, परचेस, ठीक है। और मैं इसको रन कराता, इसको क्या करता, कमेंट कर देता ताकि ये रन ना हो, और इसको मैं रन कराता, तो देखो बाय डिफॉल्ट अभी क्या आया, अभी कुछ आया क्या मेरे पास, कोई प्रीफिक्स ऐड हुआ, भाई प्रीफिक्स सेपरेट तो कर दिया आपने, सेपरेटेड बाय किससे करना है, आपने सेपरेट वाला फॉर्म दे दिया, तो सेपरेट वाला फॉर्म तो आपने इससे दे दिया, भाई प्रीफिक्स भी तो लेना पड़ेगा ना। देखो जरा यहां पे आके ये लिया मैंने, और इसमें प्रीफिक्स भी तो लेना पड़ेगा, जब मैं ये लगाता हूँ तो मेरा प्रीफिक्स भी आता है,
मेरा प्रीफिक्स भी तो आ रहा है, प्रीफिक्स भी तो देना पड़ेगा, तो यहाँ मतलब प्रीफिक्स देना पड़ता है, और क्या देना पड़ेगा, प्रीफिक्स अंडरस्कोर सैप देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स वाले को यहाँ पे कॉपी कर लिया, और यहाँ पे प्रीफिक्स इक्वल टू मैंने लिख दिया पर, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा, इसको रन करके देख, मैं ऐसा सोच रहा हूं, मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं कैसा होगा, ये रन हुआ, तो यहां पे देखो क्या आया आंसर, प्रीफिक्स अंडरस्कोर नो, प्रीफिक्स अंडरस्कोर यस, कॉलम नाम का चेंज हो गया। अब अगर इसमें से तुम क्या करते हो, ड्रॉप अंडरस्कोर फर्स्ट भी लगा लेते हो साथ में, अगर आप इसमें से कॉमा ड्रॉप अंडरस्कोर फर्स्ट भी लेके चल लेते हो ना, इक्वल टू ट्रू, ठीक है, और सेम वे वाला पूरा कॉपी कर लिया मैंने और सेम यहां पर कर दिया, और यहां पे क्या कर दिया, मेट्रो सिटी, ठीक है, तो भी ना कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, देख लो, ये लिया, ये रन, परचेज यस, ये रन, मेट्रो सिटी यस, भाई कॉलम का नाम तो चेंज अभी हो गया ना, कर दिया, प्रीफिक्स ऐड करने से हो जाता है कि नहीं होता है, सफिक्स ऐड करने से लास्ट में ऐड होगा, प्रीफिक्स ऐड करने से फ्रंट में ऐड, दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट, ओके, ये वाला आपने देख लिया, इस वाले को हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं ताकि हमारे उसमें ना चले वाला ब्लॉक, ठीक है, ये सेपरेट वाला था। अब देखो जैसे मेरा जो आ चुका था डेटा, उसमें मुझे क्या करना था, जो डेटा मेरे पुराने वाले थे उनको मेरे को क्या करना है, ड्रॉप करना है, मतलब मेरे को कौन से वालों को ड्रॉप करना है, जो कौन से वाले टेक्स्ट टाइप के हो, तो टेक्स्ट टाइप के डेटा मेरे कहां से आएंगे, यहां से सारे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये मुझे कौन से देगा, टेक्स्ट टाइप की, मतलब ये सारे मुझे क्या करने है, ड्रॉप करने, तो मैं डायरेक्टली यहां नहीं, ये नहीं लिख सकता, जैसे ये तो मेरे को पता पड़ गया, तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, कि पीडी डॉट या डेटा इक्वल टू डेटा डॉट ड्रॉप, इसके अंदर ये सारे के सारे कौन से वाले, ये आई कॉमा एक्स इज इक्वल टू वन, यस और नो, और इस वाले को यहां से करता हूं कंट्रोल एक्स, और यहां पर आके क्या कर देता हूं, कंट्रोल बी, ठीक है, चलो अगर मैं यहां पे आके ये ना लिख के यहां पर ये लिख देता हूं, और बाद में प्रिंट करके देखता हूं डेटा डॉट कॉलम्स, कॉलम नेम आएंगे देखा मुझे, तो कॉलम नेम में मतलब मुझे ये वाले नहीं मिलने चाहिए, तो मैंने क्या करा, रन कर दिया, ये रन हो गया, और जब मैंने कॉलम नेम देखा तो देखो मैरिटल स्टेटस मिल रहा है मेरे को, यहाँ पे क्या मिल रहा है, मतलब डायरेक्टली वैसे तो नहीं हो सकता है भाई, डायरेक्टली वैसे तो नहीं हो सकता है, नहीं हो पाएगा ना, तो यहाँ पे अगर मैं डेटा लिख दूं तो होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे डेटा लिख दूं तो क्या होगा, यहाँ पे ये ले लेता हूँ, यहाँ पे ये ले लेता हूँ, अब मैं इसको रन कराता हूँ, ये रन हो गया, ये हो गया, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस गया, नहीं गया, नहीं गया सर, तो शायद एक साथ सबको ड्रॉप करना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, हम एक काम करते हैं मैनुअली लिख देते हैं, मैनुअली लिखने से आप क्या ले सकते हो, आप ये ले लिया, अच्छा डेटा मैं असाइन कर दूं, ठीक है भाई, कोई कहता है सर डेटा में भी असाइन कर दो, तो ये लो डेटा में भी असाइन कर दिया, डेटा इक्वल टू लो डेटा में असाइन कर दो, हट गया कि नहीं हटा, नहीं हटा, ओके सर ऐसा नहीं लो, आप ऐसा लो तब हो जाएगा, ओके लो ऐसा ले लिया, एक्स इज नॉट फाउंड, ओके एक्स इज ना लेके जीरो लेके चलते हैं, कुछ होगा देखते हैं, नॉट फाउंड,
इन प्लेस करूं, लो इन प्लेस कर दिया इक्वल टू ट्रू। आप लोग कह रहे हैं ठीक है, तो अब मैं इन प्लेस कर देता हूं एक्स इज नॉट फाउंड, तो क्या होता है यहाँ ये नहीं हो पाता है, ठीक है, तो ये दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। तो इसका एक सॉल्यूशन और है हमारे पास, जैसे हम ये लेते हैं ना, प्रिंट आई कर दिया ना, हम एक काम करते हैं, हम इसको लिस्ट में अपेंड करा देते हैं। तो मैं लेता हूँ एल इक्वल टू ये या डी इक्वल टू ये, और यहाँ पे क्या करा देता हूँ, प्रिंट आई के साथ क्या करा देता हूँ, इसको डी में अपेंड करा देता हूँ, डी डॉट प्रिंट एस टी आर ऑफ आई, या आई को डायरेक्टली एस टी आर कराने से बेटर है आई अपेंड कर दो। तो जब आप इसको रन करोगे ना, तो क्या होगा, डी में अपेंड हो जाएगा डेटा, या डेटा अपेंड हो गया, और जब आप डी को प्रिंट कराओगे ना, तो डेटा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आ गया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली लिख दो डेटा इक्वल टू डेटा डॉट ड्रॉप, यहाँ पे क्या कर दो, पास डी कर दो कॉमा, यहाँ पे क्या कर दो एक्स इज इक्वल टू वन, और मैं आपको प्रिंट करके दिखा दू डेटा, डेटा डॉट यस ऑन, ये पॉइंट क्लियर हुआ, रिमूव करने का प्रोसेस क्लियर हुआ गाइस। अब आपका काम क्या होता है, आपका काम होता है कि जैसे आपका डेटा क्लियर हो गया, आपका आपका डेटा क्या हो गया, क्लीन हो गया पूरा, इसमें आप देख लो डेटा डॉट इन्फो, और इन्फो के अंदर क्या नहीं है, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट टाइप का नहीं होगा, सारे के सारे कैसे होंगे, आपका इंटीजर और फ्लोट टाइप के होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको केस स्टडी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको एक्स एंड वाई को सेपरेट करना है। तो आप जानते हैं एक्स और वाई में क्या जाएगा, आपका जो वाई जाएगा वो डेटा और इसके अंदर ये जाएगा, यस ऑर नो भाई, ये पहुंच गया आपका वाई, और जो एक्स जाएगा वो क्या जाएगा, डेटा डॉट ड्रॉप परचेज वाला कॉमा एक्स इज इक्वल टू वन, और ये किस में गया, ये आपका एक्स में गया। तो अब यहां से आपका एक्स और वाई बिल्कुल सेपरेट हो गया है, नहीं हो गया। अब आपके पास जो डेटा है वो क्या है, सिंगल डेटा है, आपके पास जो डेटा है गाइस वो क्या है, सिंगल डेटा है। हमें सिंगल डेटा पे काम नहीं होना है, हमारा काम किस पे, मल्टीपल डेटा पे, क्योंकि ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए मुझे दोनों अलग अलग चाहिए, एक से मेरा काम नहीं होगा। सो व्हाट आई विल डू और व्हाट आई विल प्रिफर, सो आपको क्या लगता है मुझे क्या प्रिफर करना चाहिए गाइस, बता सकता है कोई, मुझे डेटा को डिवाइड करना है ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो जो बाय डिफॉल्ट हमारा जो रेशियो चलता है, अगर मैं नहीं प्रोवाइड करूं, वो किसमें चलता है, 75:25 में। बट बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप अपने डेटा को 80:20 में ले सकते, 70:30 में ले सकते, 65:35 के रेशियो में ले सकते, ठीक है, बट Try to keep maximum data in training set. Training set में ज्यादा data रखने की कोशिश कर। तो सबसे best practice है वो 70:30 का split है, ठीक है, 70:30 का split कहां से होगा, from
एस के लेंथ डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, नॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट, ठीक है ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करा, आपने डाया एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा एक्स अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट इक्वल टू, ये ले लिया आपने, लिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, उसके अंदर आपने लिखा एक्स कॉमा वाई कॉमा जो टेस्ट अंडरस्कोर साइज था वो कितना रखा 0.30 कॉमा, इसमें आपने क्या ली रैंडम स्टेट ली, आपने इसमें ली रैंडम स्टेट, जैसा मैं यहां पे ले लेता हूं, बाय डिफॉल्ट जो होती 42 होती है, मैंने क्या करा स्प्लिट कर दिया डेटा को, डेटा को स्प्लिट कर दिया। अब डेटा को स्प्लिट करा तो लेट्स चेक द शेप ऑफ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, तो जो एक्स होगा उसमें कितने होंगे, वाई होगा क्या होंगे, वाई में एक कॉलम होगा एंड एक्स में क्या होंगे रेस्ट ऑफ ऑल। तो जैसे आप देखोगे एक्स डॉट शेप और एक्स कौन सा ट्रेन वाला, इसका शेप कितना आया, एक्स में कितने कॉलम होंगे, यहां मैं लिख देता हूं 9 कॉलम होंगे एक्स में और वाई में वो ऐसी सेम में अगर मैं देखू वाई अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप, तो यहां पर जो डेटा होगा वो क्या होगा, ये वाई स्मॉल रखना था मैंने कैपिटल कर दिया, कॉलम है एक क्योंकि कॉलम की वैल्यू कुछ नहीं आई और उसकी वैल्यू पूरी आई, ये पार्ट क्लियर हुआ यस और नो। इसके बाद हम पार्ट करते हैं अपना थोड़ा एनालिसिस का, एनालिसिस में हमारे पास तीन तरह की एनालिसिस होती, पहली एनालिसिस होती यूनिवेरिएट, दूसरी होती है हमारी बाईवेरिएट। तीसरी होती है हमारी मल्टीवेरिएट, मैंने आपको बताया था शायद ये डिस्कस करा है आप लोग के साथ गाइस, यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट बाईवेरिएट। ओके तो आपको पता है यूनिवेरिएट क्या होता है, आपका सिंगल वेरिएबल का एनालिसिस हो, बाइवेरिएट क्या होता है जब आप दो वेरिएबल को कंपेयर करो, मल्टीपल वेरिएट क्या होता जब आप वाई को वाई एंड एक्स को और एक्स के जो सेट हैं उसमें कंबाइन होके क्या करो कंपैरिजन करो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है फीचर को एलिमिनेट करना है, फीचर्स एलिमिनेट मतलब एक्स का जो सेट है उसमें से आपको कौन से फीचर निकालने हैं, केवल रेलेवेंट, इसमें से आपको निकालने हैं रेलेवेंट फीचर। तो रेलेवेंसी निकालने के लिए हम क्या देखते हैं गाइस, हम दो कंडीशन चेक करते हैं, हम पी वैल्यू देखते हैं उनकी, तो पी वैल्यू क्या होती है कॉन्फिडेंस लेवल, हमने कॉन्फिडेंस लेवल जो लिया है, हमने कॉन्फिडेंस लेवल मॉडल का जो लिया है वो क्या लिया 95%, तो प्रोबेबिलिटी जो वैल्यू होगी जिसको पी वैल्यू कहते हैं वो कितनी होगी 5%, तो इसका मतलब है जो
पी वैल्यू होगी वो क्या होगी 0.05। अगर किसी भी एनी वेरिएबल जिसकी पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 से जाती वो क्या हो जाता है, इररिलेवेंट हो जाता है। इसके साथ हम वी आई एफ भी चेक कर सकते हैं, ग्रेटर देन 10 पे वो भी क्या हो जाता है, इररिलेवेंट हो जाएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं ना गाइस मल्टीवेरिएट के लिए, नहीं वो मल्टी कोलिनियरिटी, वो मल्टी कोलिनियरिटी के लिए वी आई एफ लेते हैं। अगर मल्टीवेरिएट के लिए वी आई एफ नहीं लेते, मल्टीवेरिएट के लिए हम लेते हैं कोरिलेशन प्लॉट, कोरिलेशन प्लॉट लेते हैं मल्टीवेरिएट के लिए। बताऊंगा मल्टीवेरिएट के लिए कोरिलेशन प्लॉट कैसे, कोर प्लॉट कोरिलेशन कितना है, डोंट वरी अभी मॉडल चल रहा है ना, पूरा एक्सप्लेन करूं ठीक है। तो अभी जरा ये देखो, अब जैसे मुझे पी वैल्यू है तो सबसे पहले मैं कह लूंगा अजम्पशंस, भाई अजम्पशंस सेटिस्फाई करने पड़ेंगे ना, अजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। अब देखो जो कैटेगोरिकल वैल्यू है उस पर तो लीनियर रिग्रेशन लग नहीं सकता, लीनियर रिग्रेशन के अजम्पशन किस किस चीज पर फॉलो करेंगे, आपका एज, मैं काम करता हूं मैं एक्स डॉट कॉलम्स देख देता हूं और इसमें से जो मेरे को मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे भाई, इसमें से जो मेरे को मिलेगा वो कैसा अजम्पशन, जो पहला जो अजम्पशन है वो किस पे फॉलो होगा, ये आपका फॉलो होगा एज वाले पे और किस पे, साइन इन सिंस डेज, यस और नो, क्योंकि यही आपके कॉन्टिन्यूस डेटा है, बाकी सारा डेटा आपका कैसा है, टेक्स्ट है। इसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में होगा गाइस, विथ रिस्पेक्ट टू आपका डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज परचेज मेड, यस और नो। नहीं ये डिफाइन कहां किया गया है, ये डिफाइन आपका किया गया है मॉडल में, बाय डिफॉल्ट ये रहता है। अगर आपको देखना है कहां डिफाइन करा तो देखो यहां डिफाइन कर रखा होता है, जरा देखना, जरा मैं आपको दिखा देता हूं कहां डिफाइन कर रखा है, वहां देख नहीं पाओगे बट यहां मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये दे रखा है कॉन्फिडेंस लेवल, जैसा कि तुम देख पा रहे होगे यहां पर देखो दे रखा है कॉन्फिडेंस लेवल, बाय डिफॉल्ट कितना ले रखा है 95% दे रखा है। यस और नो, हाँ चेंज कर सकते हो पाइथन में बट उतना इफेक्ट नहीं आता ठीक है, पाइथन में चेंज हो जाता है उसको कोई दिक्कत नहीं ठीक है, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे अगर सपोज करो मेरा वही मॉडल होता और मेरे को उस मॉडल की पी वैल्यू वैल्यू देनी है, तो जैसे आप तो निकालते हो टेबल में बट अब इंडस्ट्री में इतना बड़ा डेटा होता है तो बहुत सारे लोग तो एक्सेल पे भी काम कर लेते हैं, तो एक्सेल पे भी सारा काम हो जाता है रिग्रेशन का, जो आप वो करते हो ना यहाँ पर मैं सेम वे में कर सकता हूँ ठीक है। जैसे मैंने आपको रिग्रेशन का करके भी बताया था, जैसे सपोज करो मैं इस पे रिग्रेशन अप्लाई करता हूँ ठीक है, तो मैं भी इसको करता हूँ क्लोज, सपोज करो मैं इस पे रिग्रेशन अप्लाई करता हूँ इस वाले पे और मैं कहता कि जो मेरा ये वाला कॉलम है ना, ये वाला कॉलम बिल्कुल इररिलेवेंट है, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं ये वाला कॉलम भी हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा एज और ये वाले के बीच में मेरे को क्या निकालने हैं, रिलेशनशिप निकालने हैं, लीनियर रिलेशनशिप। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डेटा पे क्लिक करता, डेटा पे रिग्रेशन पे क्लिक करता, रिग्रेशन पे क्लिक करता, यहाँ पे देता वाई की रेंज, जो वाई है वो मेरा क्या है, वो मेरा ये है, यहाँ पर आता मैं देता एक्स की रेंज, एक्स मेरा ये है, उसके बाद मैं देता कॉन्फिडेंस लेवल, यस 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे चलना। आउटपुट के लिए मैं क्या देता, यही दे देता नीचे कि मेरे आउटपुट ये यहाँ पे ले लेना, आउटपुट के लिए आउटपुट यहाँ पे ले लेना, ये आउटपुट का हो गया। और ये वाला जो ब्लॉक होता वो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे आता और इसको ऊपर लेता, मैं यहां से यहां तक ये सिलेक्ट कर देता, इसके साथ मेरे को देना क्या लाइन फिट प्लॉट दे दो मेरे को ठीक है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट दे दो और रेसिडुअल प्लॉट दे दो, और मैं इसको ओके कर देता। जैसे मैं इसको ओके करता
तो देखो नीचे पास, नीचे ना मेरे पास पूरी समरी बन जाती है, जो कि आप उसमें नहीं कर पाते हो पाइथन। पाइथन पे आपको मैनुअली करना होता है। हम जैसा काम करते थे इंडस्ट्री में, ये कुछ इस तरह का काम करते थे। देखो जरा, हम कुछ इस तरह का काम करते थे। वी समवॉट डू एक्चुअली समथिंग लाइक दिस। अबे नीचे हो जा। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिली है वो काफी हद तक कुछ ऐसी मिली है। अब जरा देखना, जरा भाई ऐसी टेबल नहीं आएगी आपकी। टेबल वहां पे अलग आती, ये टेबल इसमें अलग आती। अब जरा मैं इस टेबल में आपको एक चीज बता दूं, जरा पी वैल्यू देखो। पी वैल्यू एक्स की क्या है, 0.05 से बहुत ज्यादा बड़ी है या नहीं? मतलब इसका मतलब है ये काफी इनसिग्निफिकेंट डेटा है। तो आप ये नहीं करोगे, आप क्या करोगे, देखो इसमें क्या हो गया, मॉडल बायस हो गया कि डेटा एज बढ़ने के साथ आपकी सैलरी बढ़ रही है। ऐसा कभी नहीं होता है, मॉडल बायस है। मॉडल बायस होने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हम इस तरह से भी लीनियर रिग्रेशन कर सकते हैं। तो आप चाहो तो मैं आपका जो मॉडल है ना, उसको मैं इस तरह से भी सॉल्व कर सकता हूँ और उस तरह से भी सॉल्व कर सकता हूँ। हम इस तरह से नहीं चलेंगे, हम कौन सी तरह से चलेंगे, दूसरी, क्योंकि हम एक्सेल नहीं सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं गाइस, हम पाइथन के थ्रू कर रहे हैं मशीन लर्निंग, नॉट एक्सेल के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा मॉडल लगाएंगे जरा बताओ, यहाँ पर हम कौन सा मॉडल लगाएंगे, अप्रोच कौन सा लगाएंगे, जरा सोच के बताओ मुझे। अब मैं आप लोग से क्वेश्चन करूंगा क्योंकि आप लोग को ने थोड़ा बहुत करा होगा। चलो अब बचा कोडिंग, बताओ मुझे अब क्या लगाऊं इसमें। मुझे पी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पी वैल्यू कहाँ से आएगी, फ्रॉम एसकेलन, फ्रॉम एसकेलन और समथिंग बॉट फ्रॉम अदर, फ्रॉम एसकेलन डॉट फ्रॉम स्टैट्स मॉडल डॉट एपीआई। एसकेलन में स्टैट्स है क्या भाई? स्टैट्स तो नहीं है एसकेलन। नो सर, नो सर। तो फिर अब स्टैट्स के लिए क्या लेना पड़ेगा? या फ्रॉम स्टैट्स, यस सर, फ्रॉम स्टैट्स मॉडल डॉट एपीआई डॉट एपीआई, और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, नॉट फ्रॉम करना पड़ेगा, तो आई विल से इंपोर्ट। और इसको कैसे करना पड़ेगा, एस एम। अब एस एम में मेरे को क्या करना है, अब मेरे को एक इंटरसेप्ट भी चाहिए। तो इंटरसेप्ट कैसे ऐड करते हैं सोचो जरा भाई। लिख के बताओ आप लोग, जो भी आपका आंसर हो ना कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। नहीं, इंटरसेप्ट ऐड करना है, ठीक है, वो तो मैं कर लूंगा, दैट तो थिंग इज क्लियर। ऐड कॉन्स्टेंट नहीं, कोड कोड, क्योंकि अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर क्या है ना, हम बात करते हैं अगर इस चीज की, तो अभी हम यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें और भी करना है। इट इज ओनली डिस्टर्बिंग। आप लोग अनम्यूट मत करिए, आप लोग अपने सेंटेंस ना, आप कोड अपना इसमें लिख के दे दीजिए। ओके, तो देखो मलाइका हैज रिटन द कोड। सर हम एक काम करते हैं, हम ये काम कर लेते हैं इसमें, बहुत अच्छा, मतलब कोड याद हो रहे हैं, बहुत अच्छा। बट उससे पहले मुझे क्या बनाना है, इसका एस एम का मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या लूंगा, एस एम इक्वल टू, या डायरेक्टली लिख सकता हूँ एस एम डॉट, भाई एस एम डॉट एड करना है तो एस एम को डायरेक्टली तो ले नहीं सकता हूं ना, या ले सकता हूं, सोचो जरा, ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं, जस्ट येस और नो। नो, सो हाउ विल आई फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, यहां से कैसे फॉरवर्ड करूंगा, मार्च करना है ना यहां से मुझे दूसरी तरफ, तो कैसे करूंगा,
जस्ट थिंक कैसे कर सकता हूं मैं इसको. नहीं नहीं इंदर, जो हमारा आप बोल रहे हो ना, जो हम आप बोल रहे हो, आप बोल रहे आउटलायर इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, वो आउटलायर इन्फ्लुएंस से इंपोर्ट कर रहे हो वेरिएबल इन्फ्लेशन फैक्टर को, वो वीआईएफ का फैक्टर होता है ना कि इसका होता है, ठीक है, वो इसका होता है. जस्ट अ सेकंड. हेलो. हाँ
ओके सो एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, आई हैव अ कॉल। सो अब जैसे हम बात कर रहे थे आप लोग के साथ, हम कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे कि यार जो हमारा मॉडल है स्टैट्स मॉडल, हम उसमें डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो हम किस तरह से ले पाएंगे? बात वहां चल रही थी ना, तो सोचो आप कैसे ले पाएंगे, जरा बताओ। जस्ट थिंक अबाउट इट। भाई एक लाइन मिस हो रही है आप लोग की, मुझे एक लाइन बताओ। मैं अगर मॉडल बनाऊं SM.OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, पर मॉडल तो बनाना पड़ेगा ना, तो क्या SM में डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं? तो यहां पे क्या ले सकता हूं, क्या मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं? सर मैं एक्सटेंड लिख दिया यहां पे, क्या यहां पे ऐड होगा कांस्टेंट? SM इज नॉट डिफाइंड। चलो मैं ऊपर से रन करा देता हूं, ये लिया मैंने, इसको रन करा दिया। ठीक है, बहुत अच्छा, फिटिंग के सर लिए। मॉडल बनाए नहीं सर, लीनियर लीनियर अंडरस्कोर मॉडल नाम से सर फाइल को ऐड करेंगे पहले भी। वो लीनियर मॉडल आप ऐड करते हैं एसक्यूएल में, जब आप एक्चुअल मॉडल चला रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हम ऐड नहीं करते हैं, इसमें तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम इसमें लगा देंगे, जैसे मॉडल बना दिया इक्वल टू, और जैसे यहाँ पे ये दिया और ये दे दिया। ठीक है, और आपका ये जैसे फाइनल लिया है ना, मैं इसमें ले लेता हूँ एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कैपिटल वाला, और यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, ये दे के ये दे देता हूँ। ओ सॉरी, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन वॉट, ओके ट्रेन अंडरस्कोर SM हो गया ना, ये हो गया, हो गया। अब हम प्रिंट किसको करा देते हैं, मॉडल डॉट समरी। समरी देखी, समरी देखो जरा क्या आ रही है। या समरी में यहां पे देखो आप, यहां पे आपके पास ऑटो कोरिलेशन अकर कर रहा है, स्लाइटली ऑटो कोरिलेशन, नॉट ज्यादा, स्लाइटली, क्योंकि 1.8 है ये वैल्यू, ये नियर अबाउट टू 2 ही है, पर थोड़ा ऑटो कोरिलेशन तो है ही, है ना, थोड़ा सा तो है ही, कुछ है। उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे उसको देखेंगे, बट अभी हम किस चीज पे आएंगे, अभी हम इस चीज पे आएंगे। जैसे जरा ये देखो, ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा रिजल्ट है। ठीक है, और इस रिजल्ट के बाद आपको क्या मिल रहा है, ऊपर आए अपने अपने वेरिएबल्स चेक करें। वेरिएबल्स आप कौन सा वाला कॉलम चेक करोगे, आप ये कॉलम चेक करो। तो आपने फाइंड आउट क्या करा कि यार ये जो है रिटायर, इस पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है, स्टूडेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है, और अनएम्प्लॉयड पे कोई इफेक्ट नहीं है। यार एक बात बताओ, ये सारे किसके कॉलम थे, ये रिटायर्ड स्टूडेंट, ये किसके थे, जॉब टाइप के थे कि नहीं थे, जॉब टाइप यस और नो, मतलब जॉब टाइप कोई रेलेवेंसी शो नहीं करता है। उसके बाद ये प्राइमरी वाले पे आया और सेकेंडरी वाले, बेसिकली है तो दोनों एक ही फैक्टर, बट मैं कहता हूँ प्राइमरी वाला एजुकेशन कोई इफेक्ट नहीं करती, तो प्राइमरी वाली कोई इफेक्ट नहीं करी, बाकी सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जॉब टाइप को अपने डेटा में से हटा सकते हैं, मतलब इन तीनों को हम हटा सकते हैं, इन तीनों को हम हटा सकते हैं और प्राइमरी वाले को हटा सकते हैं, मतलब चार को हम हटा सकते हैं, बाकी सारे हमारे क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे। इसके बेसिस पे जो हमारी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो ये आ रही है 0.82 आ रही है। तब इस 0.282 को लेके हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब हम जो मॉडल बनाएंगे उसमें से हम कौन कौन से हटा देंगे, हम ये वाले हटा देंगे। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, आप एक एक हटा के बार बार मॉडल बना के देखते हो, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना आप उसको सबसे पहले हटाते हो, फिर से ये वाला मॉडल बनाओगे, फिर से हटाओगे। बट अभी हम क्या करते हैं, अपने रेलेवेंसी के लिए हम इन सारे को हटा देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने वाले से जो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन वाला है उससे ये हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं? तो आफ्टर OLS वी फाउंड, हम क्या करा, हमने इनको हटाया।
अब हटाने के टाइम ठीक है, हटाने के साथ आप इसमें क्या कर सकते हो, VIF भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो VIF बताओ जरा कैसे था, भाई VIF के लिए हमें तीन मॉड्यूल इंपोर्ट करने पड़ेंगे, मैं इंपोर्ट कर लेता हूं फ्रॉम Etsy, इंपोर्ट डी डी मैट्रिक्स, ठीक है मैं इंपोर्ट कर लेता हूं स्टैट्स मॉडल्स डॉट एपीआई एज एसएम और यहां लेता हूं फ्रॉम स्टैट्स मॉडल्स डॉट स्टैट्स डॉट आउटलायर इन्फ्लुएंशियल एंड उससे मैं क्या इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट वेरिएंस इन्फ्लेशन, ठीक है ये लिया, ये रन कर दिया, ये रन हो गया। उसके बाद मैंने क्या बनाया, मैंने एक VIF इक्वल टू डेटा फ्रेम बनाया PD डॉट डेटा फ्रेम और ये डेटा फ्रेम बना दिया और मैंने यहां पे VIF लिख दिया। इसके अंदर आया, इसके अंदर मैंने क्या दिया x डॉट, अब x तो नहीं था मेरा, मेरा क्या था, मेरा था x अंडरस्कोर ट्रेन, यस और नो, क्योंकि जो मेरा डेटा फ्रेम बनाता वो क्या बनाता है x अंडरस्कोर ट्रेन। तो एक काम करता हूं मैं यहां से ये ले लेता हूं x अंडरस्कोर ट्रेन, ठीक है इसकी पता कर लेते हैं डॉट वैल्यूज कॉमा i और यहां पर क्या ले ले लूप चला लेते हैं फॉर i इन रेंज एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप हुआ, ठीक है ये ले लिए, इसमें एक और ऐड कर दिया फीचर इक्वल टू एक्स डॉट कॉलम्स प्रिंट VIF डॉट मैंने रन करके देखा, वेयर इज इनवैलिड सिंटैक्स, ओके फैक्टर में यहाँ यार ये एम्प्टी रह गया, इसको ये इधर आना था और आखिरी वाले में ये क्लोज होना था, सर शायद x अंडरस्कोर ट्रेन डॉट कॉलम्स होगा सर, या वही देख लेता हूं उसको क्या है, डोंट वरी, नहीं एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट कॉलम आएगा ना, क्योंकि उसमें वाई भी आ गया होगा ना, हमारा वाला जो हमने लिया था वाई भी आ गया होगा उसमें, नहीं नहीं उसके इधर इधर एरर आ रहा, जस्ट लेट मी सी, मैं अब चेक करके बताता हूँ आपको एरर क्या आ रहा, एरर यहाँ पे आ रहा है इन्फ्लुएंशियल में, वेरिएबल इन्फ्लुएंस फैक्टर को फैक्टर ऊपर से मैंने ले लिया ये वाला, ठीक है VIF
नहीं ये जो है ना ये वाला, इसके लिए ये क्लोज नहीं हुआ था इसलिए एरर आ रहा है। जो हमारा ये था ना ये क्लोज नहीं हुआ है, ये है ना जो वाला लूप के बाहर जो है ना कॉमा आई, इसके बाद ये क्लोजिंग आनी थी, और उसके बाद जो मैंने दो आखिरी में क्लोज कर दिए थे ना इस वाले में, एक सेकेंड, इस वाले में दो आखिरी में क्लोज कर दी ना, उसकी जगह केवल एक ही क्लोज। अब देखो यहां पर क्या आ गया, ये आ गया एक्स अंडरस्कोर ट्रेन नॉट मेंशन, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर वाले मॉडल के लिए यूज हो चुका है। तो कभी भी वीआईएफ निकालते हैं ना तो उस स्टैट्स मॉडल के लिए नहीं चलते हम, किसके लिए चलते हैं अपना एक्स अंडरस्कोर ट्रेन के लिए चल लो, आप किसके लिए चल लो, एक्स के लिए चल लो। तो हम क्या करते हैं, हम केवल एक्स के लिए चल लेते हैं, स्मॉल एक्स में देख लेते हैं वीआईएफ। ये कहां दे रहा है, ओ सॉरी, देखो यहां पर वैल्यू आ गई सबकी भाई, ओ माय गॉड, ये जो वी आई एफ आ गया तो खतरनाक आ गया। इसका मतलब है भाई ये वाला जो वी आई एफ आ रहा है, अब आपके पास दो चीजें आ गई। अब आपके पास देखो एक ये, एक तो वी आई एफ वाले टर्म आ गए, ठीक है, जिसमें ये चीज है, और एक चीज कौन सी आ गई, एक आ गई स्टैट्स मॉडल के थ्रू। भाई एक तो वी आई एफ पे आ गया और एक कहां पर आ गया, स्टैट्स मॉडल पे आ गया। देखो जरा स्टैट्स मॉडल में, एक स्टैट्स मॉडल पे है, क्योंकि स्टैट्स मॉडल कहता है कि पी वैल्यू काफी कम है, आप ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। पर मॉडल क्या कहता है कि भाई नहीं चलेगा, यस और नो, भाई बोल रहा है या नहीं बोल रहा, इट इज सेइंग और नॉट। तो एक काम करते हैं हम, क्या चेक किस पे करते हैं, वी आई एफ चेक करते हैं कौन से वाले पे, जो हमने स्टेट्स मॉडल में लिया है सारे वेरिएबल्स। तो चलिए हम इधर आते हैं और यहाँ पे जो एक्स ले लिया है ना उसकी जगह क्या ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं स्टेट्स मॉडल, हो गया यहां पर आया। हो गया और अब देखो वी आई एफ बड़ा खतरनाक हो गया अब तो, बट अब खतरनाक ना हो गया वी आई एफ कैसा हो गया, हो गया सही, स्टैट्स मॉडल के अकॉर्डिंग जब हमने सिलेक्ट करा वी आई एफ आ गया। भाई कांस्टेंट का वी आई एफ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कांस्टेंट वाले को तो हम कंसीडर करेंगे नहीं मॉडल में, मॉडल में कौन से कंसीडर करेंगे, ये वाले सारे। अब ठीक है ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज क्लियर, पर इस वाले से में भी ऐसा नहीं है कि वी आई एफ जिसका कम हो उसको कंसीडर कर लेंगे, नहीं, कौन से कंसीडर होंगे, जिनकी पी वैल्यू कम है, और पी वैल्यू आपको पता ही है आज कौन सी कम है, क्लियर इनफ, ठीक है। तो हम इस पार्ट को इतना रखते हैं आज, और हम इसके आगे देखेंगे कल, कल इसका एक फाइनल मॉडल बना लेंगे और इसमें आ जाएगा। नहीं नहीं एक्चुअली डिफरेंस क्या हुआ कि जब आपने स्टैट्स मॉडल के थ्रू गए ना तब आप एक मॉडल फॉर्म करके पहुंचे जिसमें आपकी जो वैल्यू हुई वो फिट होने के कंडीशन पे हुई, वहां पे क्या थी, वहां पे ओरिजिनल वैल्यू थी, और ओरिजिनल वैल्यू तो यार वो होगी ना, आपको हमेशा कौन सी वैल्यू से चलना है जो आप ले रहे हैं, क्लियर हुआ, ठीक है। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस, और इसका मॉडल कल फाइनल हो जाएगा, इसमें बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ अप्लाई करके बता देंगे कौन सा मॉडल अच्छा है, और कल इसमें हम मैं अप्लाई कर दूंगा के फोल्ड एनालिसिस, और इसके साथ हमारी मल्टीलिनियर और लीनियर मॉडल हो जाएगी ओवर, क्लियर। चल कल मिलेंगे अब गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।